नेक्स्ट टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स. कुछ टर्म्स न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको न्यूक्लियॉन कहते हैं. समझ गए? तो न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले जो पार्टिकल्स हैं उन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ठीक है? और न्यूक्लियस इनका कॉम्बिनेशन है. अब अगर कोई एलिमेंट ऐसा लिखा है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड है फॉर एनी न्यूक्लियस. इसीलिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं. न्यूक्लियर फिजिक्स से इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमें इससे मतलब नहीं है. न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी क्या है, ये एक्स जेड ए, ये अगर कोई न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये प्रोटॉन है और ये वाले हमारे न्यूट्रॉन्स हैं. अब जरा देखें इसमें साइज और मास ऑफ न्यूक्लियस. मास ऑफ न्यूक्लियस कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली जेड मास ऑफ प्रोटॉन, ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन. साइज ऑफ न्यूक्लियस मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखते तो ये आता 4/3 πr³ इज इक्वल टू जेड टाइम्स 4/3 π रेडियस ऑफ प्रोटॉन का क्यूब, ए माइनस जेड टाइम्स 4/3 π रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन का क्यूब, और ये ए टाइम्स 4/3 πr³ वेयर आर नॉट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन और रेडियस ऑफ प्रोटॉन आपस में बराबर होते हैं और ये लगभग 1.2 फर्मी होता है. इससे ये पता चला रेडियस आर इज इक्वल टू आर नॉट ए पे 1/3 रेडियस. अब ध्यान दीजिए यहां क्या हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर वॉल्यूम भी कंजर्व्ड है और मास भी कांस्टेंट है. इन दोनों का वॉल्यूम जोड़ने पे सीधे टोटल वॉल्यूम आ गया. मतलब ये न्यूट्रॉन इतना टाइट पैकिंग है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कुछ जगह खाली जगह नहीं है, वॉइड नहीं है, मतलब नो वॉइड्स. अब ध्यान दीजिएगा कि स्फीयर को आप चिपकाते तो वॉइड तो आते, इसका मतलब यह तय है जब ये इसके अंदर है तो उनका शेप पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है, शेप डिस्टॉर्ट हो गया है. और सही बात है इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस ये वेव फॉर्म में रहते हैं. इनका वेव नेचर सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि एनर्जी इतनी ज्यादा होती, तो न्यूक्लियस के अंदर ये वेव नेचर से ही स्टडी कर पाते हैं, जिस वजह से ये पॉसिबल हो गया कि ये डिस्टॉर्ट हो गए होंगे और वॉल्यूम पूरा कांस्टेंट हो गया होगा, बीच में कोई खाली जगह नहीं. तो कॉमन सेंस उतने ज्यादा काम करेंगे नहीं इसमें भी, ये पार्टिकल की तरह नहीं है, ये बाहर आएंगे तो पार्टिकल की तरह है. तो अंदर इनकी कॉन्फिगरेशन किस तरह है, इनकी एनर्जी किस तरह है, वो वेव नेचर से ज्यादा पता चलेगी, पार्टिकल नेचर से समझ में नहीं आएगा. इसीलिए इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना कि अंदर न्यूट्रॉन्स कैसे बैठे हैं. ठीक है? तो पार्टिकल नेचर का रोल है लेकिन उतना बड़ा नहीं, मेनली रोल वेव नेचर का है. ये पैकिंग से समझ में आता है कि जब कैलकुलेट किया गया तो ऐसा आया, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कांस्टेंट है. ये जरा सोचिए, लगभग ए टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है. क्यों? मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन रफली बराबर है, और अगर ये रफली बराबर है तो ये ए टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन है और वॉल्यूम भी वॉल्यूम ए टाइम्स वॉल्यूम ऑफ प्रोटॉन है. ए टाइम्स वॉल्यूम ऑफ प्रोटॉन, ए टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, तो डेंसिटी कितनी हो गई? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ए टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ए टाइम्स वॉल्यूम ऑफ प्रोटॉन, ये, और ये आई कांस्टेंट. किस ऑर्डर की हम ये भी बता सकते हैं कि डेंसिटी का ऑर्डर आखिरकार कितना है. तो मास ऑफ प्रोटॉन 4/3 πr³, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × −27, 4/3 π, लगभग 4 लिख लूं इसको, ये 1.2 × 10 पे −15 का होल क्यूब,
1.2 का क्यूब 1.7 के आसपास, 1.7 1.7 काट दिए लगभग, अप्रोक्सीमेटली 1.1/4। मुझे ऑर्डर से लेना देना था -27 और 45 18। ये इस ऑर्डर की डेंसिटी है, मतलब एक मीटर क्यूब में 10^18 किलोग्राम मास आ जाएगा। ठीक है, याद नहीं रखना है डेंसिटी कितनी थी, बस याद क्या रखना है कि न्यूक्लियस का मास जब निकाला तो लगभग कंजर्वेशन ऑफ मास। एक छोटी सी बात देखिए कि यहां ये हिला हुआ इक्वल टू है, वैसे हमें दिख रहा है कि असली इक्वल टू होना चाहिए। हाँ, यहां हिला हुआ इक्वल टू समझ में आता है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर थोड़ी होते हैं, तो यहां लगभग इसके बराबर है, ये तो एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए। समझ गए, कुछ देर में पता चलेगा कि यहां ये ऐसा क्यों। ठीक है, और यहां पे ये क्योंकि साइज ऑफ प्रोटॉन और साइज ऑफ न्यूट्रॉन भी एग्जैक्टली सेम नहीं है। ठीक है, तो यहां तो समझ में आ रहा है, तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला वो नहीं लगा है जो पार्टिकल नेचर कह रहा था। पार्टिकल नेचर के हिसाब से तो वॉइड आते, नहीं लगाना पार्टिकल नेचर वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला, ये पार्टिकल नेचर के हिसाब से ये फॉर्मूला गलत है। पार्टिकल नेचर के हिसाब से वॉल्यूम इससे ज्यादा आएगा। अरे 10 बॉल अगर मिलाओगे तो जो स्फीयर बनेगा उसका वॉल्यूम 10 गुना थोड़ी होगा, 10 गुने से सॉलिड स्टेट में क्या पड़ा, ढेर सारे वॉइड होते हैं। तो तुम लोग एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट में कभी रिलेट नहीं करते, तीनों इंडिपेंडेंट क्यों मानते हो, क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़ा है वो इधर, सब एक दूसरे में यूज हो सकते हैं ना, क्योंकि जब भी केमिस्ट्री का सड़ा सा भी कॉमन सेंस आता है या मैथ्स का, तुम लोग यूज नहीं करते फिजिक्स में, ऑब्वियसली इसका उल्टा भी ट्रू होगा। अब तुम्हें शायद पता ही नहीं चला होगा कि फिजिक्स कहां यूज हो गई मैथ्स में, तुम्हें तो पता ही नहीं चला होगा। इंडिविजुअली वॉल्यूम तो अभी भी कंजर्व्ड है, डिस्टॉर्ट हो गया शेप तो वॉल्यूम थोड़ी बदल गया। ये लगभग ऐसा है कि 10 आइस की बॉल थी, बर्फ के गोले थे 10, उन सभी 10 गोलों को हमने ऐसे मिलाया और एक बड़ा गोला बना दिया, तो इंडिविजुअली गोला डिस्टॉर्ट हो गया, लेकिन उसका जितना वॉल्यूम अकेले में था इसके अंदर भी वॉल्यूम तो उतना ही है ना। कुछ इस तरह हुआ है कि आइस की 10 बॉल्स को मिला के एक बड़ी बॉल बना दो, तो उसकी डेंसिटी इंडिविजुअल बॉल के बराबर होगी, मास भी इंडिविजुअल के समेशन के बराबर होगा और वॉल्यूम भी इंडिविजुअल का समेशन है। अब जरा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट बाइंड्स न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, कि न्यूक्लियॉन्स को बांध के कौन रखता है, खासकर तब जब प्रोटॉन्स हैं उनमें। अब जरा देखिए कि अगर प्रोटॉन एक दूसरे से चिपके हुए हैं तो इनकी एनर्जी निकालते हैं कितनी होती, तो ये 1.2 फर्मी होगा ये डिस्टेंस, तो इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी देखते हैं कितनी आती। ये आती 9 × 10^9 × 1.6 × 10^-19 × 1.6 × 10^-19 बाय 1.2 × 10^-15 × 1.6 × 10^-19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये समझ आया, ये हिस्सा दरअसल जूल में था, के क्यू वन क्यू टू बाय आर, ये जूल था, इसमें 1/E कर दिया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये देखिए ये किस ऑर्डर का है, ठीक है 144, ये 1.12 1.2 लिखा है तो 6 × 10^-19 −15 और 9 10^0.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर दो प्रोटॉन को ऐसे टच करके रखा जाए, ये 2R है, तो इनके बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी 0.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब जरा हम सोचते हैं कि अगर मैंने 3 यहां रखे होते तो बताओ इनकी एनर्जी कितनी होती, अरे क्या कर रहे हो, 3 पेयर हैं, हर पेयर की एनर्जी बराबर आएगी तो 1.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। मतलब जब न्यूक्लियॉन्स हम पास रख रहे हैं तो इनके पास इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, और बाइंड करके रखना है तो हमें नेगेटिव एनर्जी चाहिए, हमें कोई ऐसा फोर्स चाहिए जिसकी एनर्जी इस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की हो और नेगेटिव हो, अट्रैक्टिव हो।
ये समझ में आया? ऐसा फोर्स जो अट्रैक्टिव हो, वो इतना पावरफुल हो, इतनी एनर्जी उसके साथ एसोसिएटेड हो, समझ गए? इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को हमें ओवरकम करना है और बड़ी एनर्जी चाहिए, पक्का समझ आया? टेम्परेचर वगैरह के बस का तो है नहीं, हालांकि टेम्परेचर बांध के नहीं रखता, टेम्परेचर तो और भगाता है, लेकिन टेम्परेचर की एनर्जी तो पॉइंट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसका तो रोल है नहीं। मैनुअली बांध के रखने का मीनिंग नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर है ये सब चीजें, ठीक है? तो ये एनर्जी सप्लाई करने के लिए हमें कोई और फोर्स चाहिए, ठीक है? ऐसा फोर्स जो ताकतवर है। अब ये बात तय है कि अगर वो फोर्स एग्जिस्ट करता है तो वो अट्रैक्टिव होना चाहिए और इसी ऑर्डर का होना चाहिए, मतलब इससे पावरफुल होना चाहिए, अट्रैक्टिव भी और पावरफुल भी है। लेकिन अगर वो हमेशा एग्जिस्ट करता तो दो प्रोटॉन कभी दूर दूर रह ही नहीं पाते। अगर वो हमेशा एग्जिस्ट करता तो दो प्रोटॉन दूर होते अट्रैक्ट हो जाते, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से जीतने वाला कोई है, लेकिन जो भी जीतने वाला है वो बड़े डिस्टेंस पे एक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि डेली लाइफ में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ही दिखाई दे रहा है। आया समझ में? इनके बीच का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वो फोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेविटेशनल में एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर और के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर वाला टर्म कट गया। अगर ये एक बार जीता है तो हर जगह जीतेगा, क्योंकि आर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, और वैसे भी ये काफी कम है। एक तो इसने -11 दिया और ऊपर से दो मासिस पे भी -31, कितना 27, यहां -16 और 9, तो दिख रहा है कि काफी कमजोर है वो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं हो सकता। ये मतलब कोई ऐसा फोर्स है जो बड़े डिस्टेंस पे एक्ट नहीं करता, छोटे डिस्टेंस पे एक्ट करता है। तो इससे ये समझ में आया कि ये जो भी है वो शॉर्ट रेंज है, और वो छोटा डिस्टेंस कौन सा, एक्ट्स ओनली अप टू फ्यू फर्मी। ये हमें हिंट मिली कि ये जो भी फोर्स है वो कुछ फर्मी तक ही एक्ट करता है। और ये क्यों पता चला कि ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही ऑब्जर्व किया गया, बाहर उनमें सिर्फ रिपल्शन ही था। तो जिस साइज के न्यूक्लियस थे उसकी जो अपर लिमिट है वो न्यूक्लियर फोर्स की अपर लिमिट है। कुछ समझ में आया? न्यूक्लियस कुछ डिस्टेंस, कुछ जेड के बाद मिलना बंद हो गए या अनस्टेबल थे। जैसे जेड की वैल्यू 100 के करीबन आई, न्यूक्लियस बनना चालू बने, लेकिन वो अनस्टेबल थे। अनस्टेबल थे मतलब उनको बांध के रखना मुश्किल हो रहा था, मतलब जो ही नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन बढ़ रहे हैं तो रेडियस भी बढ़ रही है, ए पे 1/3। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन बढ़ाते गए, बढ़ता गया, तो जितने आप जोड़ते जाओगे उतना साइज बड़ी होगी, उतना दूर वालों को बांध के रखना मुश्किल होगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है। जिससे ये हिंट मिली कि ये डिस्टेंस, ये जो भी न्यूक्लियर फोर्स है डिस्टेंस के साथ एब्रप्टली नीचे गिर रहा है, मतलब शायद ये समझिए ये न्यूक्लियर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये न्यूक्लियर है। ये फील आया? कम डिस्टेंस पे न्यूक्लियर ताकतवर है, लेकिन जो ही हम ठीक ठाक डिस्टेंस पे पहुंचे न्यूक्लियर निग्लेक्ट हो गया। वो हिंट कैसे मिली? अगर न्यूक्लियस बड़े डिस्टेंस तक काम करता तो न्यूक्लियस बहुत बड़े बड़े भी होते, लेकिन न्यूक्लियस एक साइज के बाद मिलना बंद हो गया, मतलब ये पता चला कि जो बांध के रख रहा है वो कुछ फर्मी तक ही काम कर पा रहा है, ठीक है? अब दूसरी बात ये है कि जितने न्यूक्लियस देखे उनमें अकेले प्रोटॉन नहीं है, उनमें न्यूट्रॉन भी है, और न्यूट्रॉन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है जो ही जेड बढ़ रहा है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो ये ऐसे कुछ है, मतलब इनिशियली न्यूट्रॉन प्रोटॉन रफली बराबर थे, लेकिन ज्यों ही जेड की वैल्यू हाई चाहिए ज्यादा न्यूट्रॉन चाहिए, मतलब ज्यों ही रिपल्शन ज्यादा हावी हो रहा है तो आपको ज्यादा न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ रही है जो इनको बांध के रख सके। इसका मतलब ये जो फोर्स है वो न्यूट्रॉन्स पे भी एक्ट कर रहा है, प्रोटॉन्स पे भी एक्ट कर रहा है। तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स सेम है।
और ऑब्वियसली अट्रैक्टिव है, तभी हम बांध के रख पा रहे हैं इनको। हाँ, ये आपस में सेम कैसे ये पता नहीं चलेगा, लेकिन ये तय है कि सब में आपस में अट्रैक्शन है। ये सेम के लिए एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत है, हमने याद कर लिया सेम होता है, ठीक है। शॉर्ट रेंज है, न्यूट्रॉन भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तभी ज्यादा न्यूट्रॉन लेने से काम चल जा रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आ रहा है कि ज्यादा न्यूट्रॉन लेने से भी काम नहीं चल रहा है, क्योंकि रेडियस अगर सिग्निफिकेंटली बड़ी हो गई तो नए न्यूट्रॉन जोड़ोगे तो भी उनका डिस्टेंस इतना बड़ा हो जाएगा कि न्यूक्लियर फोर्स ना के बराबर हो जाएगा, तो नए न्यूट्रॉन जोड़ने से भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो शॉर्ट रेंज ऑब्वियसली ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से जीत जा रहा है इतने डिस्टेंस कम होने के बावजूद, तो ये काफी ताकतवर है, छोटा फोर्स है। एसोसिएटेड एनर्जी, इसके पास ऑर्डर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की है, इसके साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी है। अब एक बहुत बड़ी समस्या यह है, जरा यह इमेजिन करिए कि एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों बहुत दूर दूर थे, हम इनको पास में लाए, दोनों दूर दूर थे, कोई न्यूक्लियर अट्रैक्शन नहीं, ज्यों ही पास में लाए अचानक से न्यूक्लियर अट्रैक्शन पैदा हो गया इनके बीच में, इनके पास एनर्जी बिल्कुल नहीं थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम ड्यूटेरियम न्यूक्लियस बना रहे हैं, तो इन दोनों को जब हम पास लाए तो अचानक इनके पास अट्रैक्शन आ गया और अचानक इनके पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ गई। ऑब्वियसली वो एनर्जी नेगेटिव है, कैसे नेगेटिव कह पा रहा हूं, अट्रैक्शन है, ये समझ में आया। तो ये अचानक जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब इन्होंने एक एनर्जी बाहर फेंकी है जब ये चिपके हैं, जब इनको चिपकाया तो एनर्जी बाहर फेंकी गई है। और ध्यान दीजिए, व्हेन एवर अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड एनर्जी इज रिलीज्ड, जब भी कोई बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी। इसका बड़ा आसान सा डेली लाइफ का एग्जांपल है, फेविक्विक से जब हम किसी चीज पे डालते हैं वो गर्म होता है, हाथ पे अगर गिर जाए ना तो हाथ गर्म गर्म लगता है, क्योंकि जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी, तो वो एनर्जी हम एक्सपीरियंस कर पाए या नहीं कर पाए, एनर्जी रिलीज तो होती है। अब देखिए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी नेगेटिव, इतनी बड़ी एनर्जी, ये जो बाहर निकली ऑब्वियसली फोटॉन्स वोटॉन्स निकले होंगे बाहर, लेकिन बात ये आई, ये एनर्जी आई कहां से, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो सकता, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी तो है ही नहीं, और खासकर तब जब दो प्रोटॉन को हम पास में लाते, पास में लाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में लॉस नहीं है, गेन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो बढ़ गई है इनकी, फिर भी नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब न्यूक्लियर एनर्जी अब भी रिलीज हो रही है, ये बढ़ी एनर्जी रिलीज हुई, ओवरऑल नेगेटिव हो गई, तभी तो बाइंड है। तो बस हमें यह समझना है कि आखिरकार ये एनर्जी निकली कहां से, इस एनर्जी का सोर्स कौन है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कतई नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक तो बढ़ रही है या जीरो है। तो इकलौती पॉसिबिलिटी बची मास, इकलौती पॉसिबिलिटी जो बची कि वो एनर्जी इनके मास के फॉर्म में है। इसका मतलब तय है कि जब ये दूर दूर हैं तब जो मास था, और जब ये चिपक गए अब जो मास है, कौन सा ज्यादा है, ये मास ज्यादा था, ये मास कम है, और जो एनर्जी निकली है वो डेल्टा एम सी स्क्वायर। और बात बिल्कुल सही है, ये बताओ प्रोटॉन का मास 1 AMU से ज्यादा होता है या कम, प्रोटॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा, न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा और ज्यादा, 1 AMU से तो ज्यादा है, ये तो पक्का है। वैसे प्रोटॉन का मास होता है लगभग 1.0062 कुछ होता है, 68 कुछ, न्यूट्रॉन का मास होता है 1.0082 कुछ, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, याद करने भी नहीं है, इतने बस इतना समझिए 1 AMU से ज्यादा है। अब बताओ 1 AMU की डेफिनेशन क्या है, कार्बन एटम के मास का 1/12, इसका मतलब मास ऑफ कार्बन एटम कितना है,
एग्जैक्टली 12 AMU. अब कार्बन के एटम के अंदर 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, इन तीनों का मास जोड़ो, 12 से तो ज्यादा आना चाहिए, ये 6 से ज्यादा, 6 से ज्यादा, ये कुछ, तो ओवरऑल आंसर 12 से ज्यादा आएगा. लेकिन आंसर तो 12 है एग्जैक्ट, मतलब कुछ एक्स्ट्रा मास था जो कार्बन बनने में रिलीज हुआ है. ये फील आया? जब 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन अलग अलग थे, कंबाइन करके हमने न्यूक्लियस बनाया, तो उनका मास कुछ गिर गया, और ऑब्वियसली जो मास कम हुआ है वो एनर्जी रिलीज हुई है, रिलीज हुई है तो उसके पास नेगेटिव एनर्जी आ गई है, और जो नेगेटिव एनर्जी आ गई है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग न्यूक्लियोस ऑफ कार्बन टुगेदर. इसका मतलब अगर मुझे उल्टा करना है, मुझे इसके न्यूक्लियोस तोड़ने हैं, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन अलग अलग करने, तो मुझे ठीक उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी सो दैट ये अलग अलग हो जाए. कुछ समझ में आया? तो उम्मीद है एक बात समझ में आई होगी कि जो हम एटॉमिक मासेस निकालते हैं वो इंडिविजुअली न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मास जोड़ने पर कुछ कम आता है, इंडिविजुअल मास ज्यादा है, द डिफरेंस अपीयर्स इन एनर्जी. तो शायद ये समझ में आया होगा, न्यूक्लियर एनर्जी का ओरिजिन तो पता चल गया, समझ गए मास. न्यूक्लियर फोर्स का ओरिजिन इज येट टू बी डिस्कवर्ड. न्यूक्लियर फोर्स असली में कहां से आया ये अभी भी डिस्कवरी बाकी है, अभी भी नहीं पता है. ढेर सारी थ्योरीज आई हैं लेकिन कोई भी थ्योरी फुल्ली सेटिस्फाई नहीं कर रही. ये काफी हद तक वही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का ओरिजिन क्या है, चल रहा है अभी तक थे रिलेटिविटी वाली थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से काम चल रहा है, उसे वही मान ली, आगे कुछ और प्रूव हो जाए शायद. अभी तक हमने क्या पढ़ा है, 4 तरह के फोर्स होते हैं, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशन, वीक, न्यूक्लियर. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर उसके पहले हमारे हिसाब से मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स दो अलग अलग फोर्सेस थे, ये दो कंबाइन हो गए एक फोर्स बन गया. अब ग्रेविटेशन में आइंस्टाइन की थ्योरी से बात करें, अगर उसको सही मान लें, जो कि अभी तक पूरी तरह से सही साबित नहीं हुई है, हालांकि अभी तक फ्लॉ भी नहीं आया कोई, लेकिन जब तक उसको एक्सपेरिमेंटली करके नहीं देख लिया जाएगा थ्योरी नहीं मानी जाएगी पूरी तरह से एक्सेप्टेबल. तो आइंस्टाइन की थ्योरी से ग्रेविटेशन माने तो वो इनडायरेक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही इवॉल्व हुई है. स्पेस टाइम कॉन्ट्रेक्शन ये सब लफड़ा है, काहे से वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉ हमेशा सेम है, तो पूरा रायता इससे फैला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉ सेम है, उस वजह से स्पेस टाइम कॉन्ट्रेक्शन टाइप की चीज है, उस वजह से ग्रेविटी इवॉल्व हुई है. लेकिन न्यूक्लियर और वीक अभी भी रिलेट नहीं हो पाए. बहुत सारे जो फिलोसोफर साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ऑटोमेटिकली साइंस में एवरीथिंग विल कन्वर्ज टू अ सिंगल पॉइंट, मतलब एक ही यूनिवर्सल थ्योरी बचेगी जिससे हर चीज एक्सप्लेन हो जाएगी. जैसे देखिए हीट बिल्कुल अलग लगता था, हमें पता हीट कुछ और नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो आप सोचो थर्मल फिजिक्स अलग है. लेकिन थर्मल फिजिक्स में कई बार टर्म्स यूज कर चुका हूं जो तुम लोगों को बिल्कुल याद नहीं आया है, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन या इस तरह, या थर्मल एनर्जी किस ऑर्डर की है. तो पहले ये लगता था ये सेपरेट ब्रांच है, ऑप्टिक्स लगता था कोई लेना देना नहीं है ऑप्टिक्स को चार्ज से. फिर पता चला ऑप्टिक्स में जो लाइट है वो तो चार्ज का ऑक्सीलेशन ही है, समझ गए. इसे कई फिलोसफर नाम देते हैं कॉन्स्पिरेसी ऑफ नेचर, ये नेचर की खुद की कॉन्स्पिरेसी है कि इनिशियली चीजें अलग अलग हैं, फाइनली दे विल कन्वर्ज टू अ सेम पॉइंट, और नेचर हमेशा यही कोशिश करेगी कि सेम पॉइंट पे चीजें कन्वर्ज कर जाए. अपने आप इंसान ढूंढेगा, अपने आप इंसान लॉ को यूनिफाई करेगा, और एक यूनिफाइड थ्योरी आएगी जिससे हर चीज एक्सप्लेन हो जाएगी, समझ गए. वो थ्योरी ऑफ गॉड है कि गॉड ने वो सोच के बनाया है और वो चीजें सेपरेट हो गई हैं, मतलब वहां से ओरिजिन हुआ है और वो चीजें अलग अलग हो गई. तो उम्मीद है बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था कि हमें ये समझ में आया कितनी बड़ी एनर्जी कहां से पैदा हो रही है, फोर्स क्यों आ रहा है ये हमें अभी भी समझ में नहीं आया है, बस आ रहा है. हमने बस इतना सोच लिया एनर्जी रिलीज हुई, नेगेटिव आ गई, बाइंड हो गया. ये पता कैसे चला प्रोटॉन की, यही मैं कह रहा था, ये पता कैसे चला, ये मैंने उस समय भी कहा था कि ये नहीं आएगा समझ में कि इन पे भी ये क्यों, क्योंकि हम हर एक्सपेरिमेंट डिस्कस नहीं करेंगे. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जिनसे पता चलेगा ये सब कि ये फोर्सेस आए हैं, ये
हमें इसका बहुत ही एक सबसेट पढ़ना है, तो हर चीज हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। साइंटिस्ट ने कैसे अंदाज लगा लिया उसके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए, जिनसे पता चल गया कि प्रोटॉन के बीच में भी एग्जिस्ट करना चाहिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, और इनके और ये बराबर भी होना चाहिए। प्रोटॉन अपने आप थोड़ी कंबाइन होंगे, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए तो आसान नहीं न्यूक्लियस बनाना, क्योंकि अगर न्यूक्लियस बनाना इतना ही आसान होता तो गोल्ड के बगल वाले में न्यूट्रॉन घुसा देते, गोल्ड बन जाता। समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूं? ये इतना ही आसान होता तो गोल्ड गोल्ड नहीं बना लेते हैं वैसे ही करके। तो एक मिनट, हाइड्रोजन प्रोटॉन, हाइड्रोजन में प्रोटॉन ही न्यूक्लियस है, तो हाइड्रोजन की कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, ये समझ में आया? अकेला है तो उसको बांध के रखने की जरूरत ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन एटम की बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की जीरो है। प्रोटॉन प्रोटॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ज्यादा ही होता है जनरली, इसीलिए कोई ऐसा न्यूक्लियस नहीं है जिसमें सिर्फ दो प्रोटॉन हो। सुनो, क्या हुआ है उससे थ्योरी बनी है, थ्योरी क्या थी उससे नहीं हुआ है। समझ गया ना? नेचर में हमें मिला, दो प्रोटॉन तो मिले ही नहीं, तो हमने कहा कि अकेले अकेले प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अट्रैक्शन से काम नहीं चलेगा, या अकेले प्रोटॉन प्रोटॉन के आपको न्यूट्रॉन भी चाहिए, क्योंकि चल रहा होता अकेले न्यूक्लियर फोर्स इतना ही पावरफुल होता तो 10 प्रोटॉन अकेले वाला भी एक न्यूक्लियस होता। समझ गए? जिससे यह पता चला कि अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इतना भी ताकतवर नहीं कि अकेला ही प्रोटॉन को रोक दे। रोक क्यों पा रहे हैं? क्योंकि रिपल्शन सिर्फ प्रोटॉन के बीच में और अट्रैक्शन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सब में, इस वजह से न्यूक्लियर फोर्स जीत जा रहा है। बिल्कुल मत सोचिए कि न्यूक्लियर फोर्स हमेशा जीतेगा इससे। समझ गए? ये जीत गया होता तो दो प्रोटॉन अकेले भी एग्जिस्ट कर रहे होते न्यूक्लियस के फॉर्म में। हां, दो न्यूट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां होता नहीं अर्थ पे ऐसा। तो अब मैं इसकी मदद से बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन कर सकता हूं। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन फ्री न्यूक्लियॉन्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यूक्लियस। ये समझ आया बाइंडिंग एनर्जी क्या है? फ्री न्यूक्लियॉन जब कंबाइन हो जाएंगे और वो न्यूक्लियस बनेगा, उस दौरान ये बाइंडिंग एनर्जी है। तो मतलब ऐसे, ये ढेर सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन दूर दूर थे, इनको कंबाइन किया तो ये छोटा सा न्यूक्लियस बन गया, प्लस बाइंडिंग एनर्जी। एक बात तो समझ में आ रही है, जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी उतना उसको तोड़ना मुश्किल होगा, जितना बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी उतना वापस जाना मुश्किल होगा, उतना मास लॉस ज्यादा आएगा। तो इसकी डेफिनेशन उल्टी भी कह सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द न्यूक्लियस अपार्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस जिसकी बात चल रही है। एक्सरे भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, सबसे पावरफुल हमने एक्सरे ही पढ़ा है, और वो भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए लगभग। इलास्टिक ही होगा अगर वो कुछ कर पा रहा है, कुछ क्या कर पा रहा है वो अगली क्लास में पता चलेगा। मतलब एनर्जी ट्रांसफर कर पा रहा है तो इनइलास्टिक होगा, अदरवाइज इलास्टिक, और किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बस का ये है नहीं, तो इलास्टिक होगा। हाँ, यही मिस्ट्री है, यही मिस्ट्री है कि ये एनर्जी मास में ट्रांसफर हो कैसे जा रही है। वही तो न्यूक्लियर फोर्स का ओरिजिन है, वही तो डिस्कवर होना बाकी है कि आखिरकार ये जादू हो कैसे जा रहा है, क्योंकि मास और एनर्जी के कन्वर्जन की जब भी बात आई तब भी न्यूक्लियर रिएक्शन ही हुई है। न्यूक्लियर रिएक्शन के अलावा कोई एग्जाम्पल मिला नहीं जहां एनर्जी मास या मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। उल्टा भी ट्रू है, उल्टा भी ट्रू है। इससे आप यहां सेपरेट करोगे तो मास बढ़ गया, मतलब आपने इस पर फोटोन मारे, हाई एनर्जी फोटॉन्स, और ये सेपरेट फोटोन एब्जॉर्ब हुआ, सेपरेट हो गए, मास बढ़ गया। तो जब हमने इसको ब्रेक किया तो मास बढ़ गया, तो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गई। लेकिन ये मास और एनर्जी का कन्वर्जन सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स के, न्यूक्लियस के अंदर ही आया है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद कोई है न्यूक्लियस के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल है इस कन्वर्जन के लिए। किसी तरह वो अगर पता कर लिया जाए
और हम डेली लाइफ में ये कन्वर्ट करने लग जाएं, तो आदमी अपलोड डाउनलोड हो जाएंगे। हमें कहीं जाना है, हम एनर्जी में कन्वर्ट हुए, वायर के थ्रू ट्रांसफर हुए, वहां एनर्जी से वापस से मास में कन्वर्ट हो गए। अरे जब भी कन्वर्जन हुआ है ये न्यूक्लियस के अंदर हुआ है, तो कन्वर्ट हुआ तो क्या बोल रहा हूं मैं, यही तो बोल रहा हूं, फोटोन इसमें गया तो फोटोन की एनर्जी ही तो मास में कन्वर्ट हुई है। मतलब ये मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें फोटोन टकराया, इसका मास बढ़ गया, तो वो मास के लिए एनर्जी कहां से आई, फोटोन से, तो फोटोन ही तो कन्वर्ट हो गया। लेकिन समस्या ये है, ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही दिखाई दी है अभी तक प्रोसेस, इसीलिए लग रहा है कि एक न्यूक्लियर फोर्स नाम की मिस्टीरियस चीज है जो इनके कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिस दिन पता चल जाएगा और ये फिजिबल हो जाएगा, दुनिया बिल्कुल ही बदल जाएगी, और हो सकता है ऐसा हो जाए, क्योंकि जब तक नहीं होता तब तक अजीब ही लगता है कि अरे हंसते हम, ऐसा थोड़ी होता है। वापस बनेगा तो कैसा बनेगा, वो वंस अगेन वेव नेचर की प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें भी एटम की तरह स्टेबल स्टेट होती है, मतलब इनकी पोजीशनिंग मल्टीपल होती है। जैसे हीलियम के अंदर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन कई तरीके से अरेंज हो सकते हैं। एक तरीका ऐसा आएगा जिसमें मिनिमम एनर्जी होगी, वो स्टेबल है। एक तरीका ऐसा आएगा जिसकी एनर्जी स्लाइटली ज्यादा होगी, जिसे हम एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। एक और होगा जिसको नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। तो न्यूक्लियस भी एक्साइट डी एक्साइट होते हैं, मतलब इनके अंदर जो कॉन्फिगरेशन है वो बदल सकता है, और वो बदलता है तो ये फोटोन एब्जॉर्ब करते हैं या रिलीज करते हैं, और गामा रेज ऐसे ही निकलती है। मतलब न्यूक्लियस भी एक्साइट करते हैं क्योंकि इनके अंदर पोजीशनिंग क्या है वो बदल सकती है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर पोजीशन ही अलाउड है जिनके लिए न्यूक्लियस बनेगा, वो एनर्जी लेवल है। अब न्यूक्लियस के अंदर हम कैसे देखा है कि इसके अंदर एनर्जी लेवल है, अगली क्लास में पता चलेगा कि ये पता कैसे चल गया कि आखिरकार न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल थे। ठीक है, मतलब इनके अंदर कुछ पर्टिकुलर पोजीशन ही अलाउड थी, जैसे हाइड्रोजन में कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट ही अलाउड है, वैसे ही इसमें भी ये लफड़ा है। ठीक है, वो अगली क्लास में पता चलेगा। फिलहाल आप आज जो हम सीखे, पहला सीखे कि न्यूट्रॉन की साइज क्या होती है, तो सिंपली हमने वॉल्यूम कंजर्व कर दिया, मास भी कंजर्व्ड है, वॉल्यूम भी कंजर्व्ड है। ऐसा तभी हो सकता है जब बीच में वॉइड ना हो, समझ गए। और जिससे हमें पता चला कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू ए पे 1/3 रेडियस ऑफ प्रोटॉन, जो कि 1.2 फर्मी है। फिर हमने देखा कि इनमें आखिरकार इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, इसको रोक कौन रहा है, तो पता चला न्यूक्लियर अट्रैक्शन, और वो इन सबके बीच में है, छोटे डिस्टेंस पे ही काम कर रहा है। अगर बड़े डिस्टेंस पे काम कर रहा होता तो दुनिया की हर चीज चिपक जाती, दो एटम सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि उनके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उनको चिपका देता। ठीक है, ये काफी ताकतवर है, मतलब इतना कि एक मिनट, ये काफी ताकतवर से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से कई गुना ताकतवर, नहीं, ये इतना ताकतवर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक को भी नलीफाई करने की ताकत रखता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अपने आप में स्ट्रांग फोर्स है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इस हिसाब से है कि छोटे डिस्टेंस पे लगता है और स्ट्रॉन्ग है ऐसा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जल्दी डिके हो जाता है, बड़े डिस्टेंस पे जाने पे एकदम से खत्म हो जाएगा। इसकी एनर्जी काफी ज्यादा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की, और ये एनर्जी कहां से आई, फ्री न्यूक्लियॉन जब कंबाइन हुए, न्यूक्लियस बना, एनर्जी बाहर निकली, वही बाइंडिंग एनर्जी इनको बांधने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। तोड़ना है तो उतनी ही बाइंडिंग एनर्जी वापस देना पड़ेगी। न्यूक्लियर फिजिक्स, बाइंडिंग एनर्जी, हाँ बाइंडिंग एनर्जी, इसके लिए हमें न्यूक्लियर फोर्स की थोड़ी प्रॉपर्टी देखी, हमने डिस्कस कर चुके थे। अब हम न्यूक्लियर एनर्जी को डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाएं, तो यह ग्राफ कुछ ऐसा होता है। फ्यू फर्मी, और ये हमारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का है, लेकिन ये काफी कम है, मतलब जैसे 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस ऑर्डर का। कुछ ही फर्मी पे ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.1 में चला जाएगा, मतलब ये समझिए ये 10 पे 6 का ऑर्डर है, ये 10 पे -1 का ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो न्यूक्लियर एनर्जी कुछ ऐसी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमारी ऐसी है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ये ऐसी है, ठीक है। और अगर मैं कंबाइन करूं, ऑब्वियसली प्रोटॉन प्रोटॉन की बात कर रहा हूं मान लो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी तो प्रोटॉन में ही हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब नहीं है। इसका मतलब टोटल एनर्जी अगर इसकी बनाओ, इलेक्ट्रिक टोटल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इन दोनों को जोड़ दूं, और जोड़ता तो यहां तो दोनों जुड़ ही रहे हैं, यहां क्या होगा कि मतलब ये कुछ ऐसे समझिए, इन दोनों को कंबाइन करने पर नेट आंसर नेगेटिव आ जाएगा, फाइनली पॉजिटिव। ये जरा समझिए कि हुआ क्या यहां, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। पहले समझिए, प्रोटॉन की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमेशा रिपल्शन की वजह से पॉजिटिव, यहां कभी एनर्जी नेगेटिव है कभी एनर्जी पॉजिटिव है, मतलब कभी अट्रैक्शन है कभी रिपल्शन है। दरअसल अट्रैक्शन रिपल्शन आपको नेगेटिव या पॉजिटिव से नहीं चेक करना चाहिए, स्लोप से चेक करना चाहिए, समझ गया ना। एनर्जी का डेरिवेटिव फोर्स होता है, एनर्जी नेगेटिव डजंट मीन अट्रैक्शन है, आपको स्लोप देखना है, इसका स्लोप नेगेटिव है हमेशा, और इसका स्लोप नेगेटिव, स्लोप का एक और नेगेटिव फोर्स होता है, इसका मतलब यहां फोर्स हमेशा पॉजिटिव, यहां फोर्स स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है, ये फील आ रहा है। यहां अट्रैक्शन है, यहां पूरे में रिपल्शन है, उम्मीद है फील कर गया। यहां पे अब क्या आया, रिपल्शन, मतलब न्यूक्लियर फोर्स की एक और प्रॉपर्टी है कि कुछ ज्यादा ही पास आ जाए तो ये रिपल्सिव हो जाता है, और सही बात है, अगर ऐसा नहीं होता तो सभी न्यूट्रॉन्स चिपक चुके होते, तो न्यूट्रॉन अलग अलग एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते। जो ही हम पास लाए कुछ फर्मी के बाद, एक बार ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जीता, दबाता गया और सबको सिंगल बना देगा, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, और अगर वो फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव रहा तो ये दो मर्ज होकर सिंगल बॉडी बन जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसका मतलब ये फोर्स कुछ देर के बाद रिपल्सिव हो गया होगा। यही एटम के केस में होता है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो होते हैं वो भी लगभग ऐसे होते, इसी तरह का, अगर केमिस्ट्री में ग्राफ याद हो तो बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ होता है डिस्टेंस के साथ, कि डिस्टेंस कुछ ज्यादा ही कम कर दो तो जब एटम ओवरलैप होने लगते हैं तो रिपेल करते हैं, और कुछ ज्यादा दूर ले जाओ तो अट्रैक्ट करते हैं, तो ये स्प्रिंग की तरह हो गए। ये फील आया कि आप उससे दूर ले जा रहे हो तो अट्रैक्ट हो रहे हैं, पास ले जा रहे हो तो रिपेल हो रहे हैं, इस वजह से एक स्टेबल इक्विलिब्रियम स्प्रिंग टाइप का सिस्टम बना है। इसीलिए हम एटम को दबाने की कोशिश करते हैं तो भी वापस आएगा, खींचने की कोशिश करोगे तो भी वापस आएगा, तो ये हमारे जैसा एटम में रफली वैसा ही न्यूक्लियर फोर्स है कुछ, ठीक है। अगर इन दोनों को कंबाइन करते तो देखिए, यहां न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा ताकतवर है, छोटे डिस्टेंस पे न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा ताकतवर है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, बड़ी डिस्टेंस पे कुछ ही फर्मी के बाद न्यूक्लियर ना के बराबर हो गया, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही असर आएगा, तो कुछ ही फर्मी के बाद सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक का असर आएगा, मतलब सिर्फ रिपल्सन ही दिखाई देगा, मतलब फ्यू फर्मी के बाद ही इलेक्ट्रोस्टैटिक ही सिग्निफिकेंट होगा, मतलब ये वाला वो पार्ट है, ये वाला वो पार्ट है जहां न्यूक्लियर फोर्स एक्सीड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, मतलब ओवरऑल अट्रैक्शन है, यहां रिपल्शन है, उम्मीद है समझ पा रहे होगे, यहां भी रिपल्शन है, पक्का फील आया। तो ज्यादा डिस्टेंस छोटा करने पे भी रिपेल कर रहा है, ये वजह ये है कि न्यूक्लियॉन्स मर्ज क्यों नहीं हो जाते, सेपरेटली एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो चिपक ही नहीं पा रहे, ठीक है, क्लियर। और यहां बड़ा डिस्टेंस भी, जैसे फ्यू फर्मी, मतलब आप मान लो कुछ 10 फर्मी के आसपास या 6-7 फर्मी, जितना भी 10 फर्मी के बाद नेट रिपल्सिव है, ये मान लिया हमने, ये कुछ एक या दो फर्मी के बाद, मतलब ये मान लो कुछ 1.2 फर्मी एक्सेट्रा, ठीक है, एग्जैक्ट मुझे वैल्यू नहीं पता लेकिन इस ऑर्डर की है। और ये मैं कैसे कह रहा हूं, दो एटम के बीच में अगर ये बिल्कुल जस्ट टच होते तो 2.4 होता फर्मी, ओवरलैप अगर होने लगते तो 1.2 फर्मी, अगर एक दूसरे में मर्ज ही हो जाते तो 1.2 फर्मी होता,
इसका मतलब ये मर्ज नहीं हो रहे हैं, मतलब ये तय है कि जब ओवरलैप होने की कोशिश करते हैं रिपल्शन आ गया तो वापस आ गए होंगे। तो जो भी हो कुछ 1.5 हो भगवान जाने कितना है, ठीक है। बस हमें यह समझना है कुछ फर्मी के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक जीत गया और जब ये टच हो रहे हैं इससे कुछ डिस्टेंस के बीच में न्यूक्लियर अट्रैक्शन हावी है। आया समझ? अब अगर ये मैं न्यूक्लियर एनर्जी प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए बनाता तो यही आंसर आता, सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन का आंसर तो सिर्फ यही है, क्योंकि बाकी तो है ही नहीं। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी बाकी तो है ही नहीं, सिर्फ यही है। ये फिलहाल मैं क्या कह रहा हूं, तो ये जो मैं कह रहा हूं प्रोटॉन प्रोटॉन की नेट एनर्जी टोटल एनर्जी, तो मैं यहां इसी में कह रहा हूं कि टोटल, अगर मैंने टोटल एनर्जी बनाई होती न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के लिए आता ऐसा, टोटल एनर्जी न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लिए, टोटल एनर्जी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लिए। इस बार न्यूक्लियर का कोई रोल नहीं है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में तो न्यूक्लियस आएगा नहीं, समझ गए? और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में पक्का आया समझ में? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी वंस अगेन न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियर नहीं आएगा, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओनली न्यूक्लियर, ओनली न्यूक्लियर। समझ गए? ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहां दो, बोथ न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो उम्मीद है ग्राफ कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। अब काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, तो बाइंडिंग एनर्जी, तो समझिए कि आखिरकार हम जब इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को पास ला रहे हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन सॉरी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, इनको हम पास लाए, इनको पास लाके हमने न्यूक्लियस बना लिया कोई। अब जरा ये सेपरेटेड फार अवे, लेकिन ये अपने आप चिपक नहीं जाएंगे क्योंकि देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन और अभी न्यूक्लियर फोर्स हावी नहीं हुआ है, मतलब अभी इनको दबाने में हमें मेहनत करनी पड़ेगी। कॉमन सेंस है, ये अपने आप थोड़ी ना चिपक जाएंगे, रिपल्शन अभी है, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ज्यादा ताकतवर है, न्यूक्लियर फोर्स तो है ही नहीं, तो इनको बांध के रखना मुश्किल है। मतलब यहां से जब हम यहां लाए थे, जब पास में ले आए तो हमें मेहनत करनी पड़ी, लेकिन ये कुछ ऐसा समझिए कि हम यहां से इतने दूर थे, यहां से यहां तक लाए हमें बहुत ताकत लगी और ज्यों ही इस डिस्टेंस पर एकदम से ये दब गए, और हमने यहां से यहां लाने में अगर 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की खर्च की, ये एकदम से दब गए और उन्होंने 12 फेंक दी। ये समझ आया? हमने 10 दी, इन्होंने 12 फेंक दी, -2 बची, 10 तो जो हमने दी वो ही फेंक दी और एक एक्स्ट्रा 2 और फेंक दी, तो जो एक्स्ट्रा जो फेंकी है वो 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक से आई थी, हमने काम किया था, जो 2 आई थी वो मास से आई थी। समझ गए? तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि आखिरकार एनर्जी फेंक क्यों रही है, कि हम जितना पास लाने में खर्च वर्क कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ओवरऑल एक एनर्जी रिलीज हुई, ये बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। और जब ये देखा गया तो इस दौरान इनके इंडिविजुअल मास और इनके इंडिविजुअल इनका कंबाइंड मास अलग अलग थे, तो यहां देखा मास ऑफ जेड, जेड मास ऑफ प्रोटॉन, ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ एटम, मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस, और अगर इस न्यूक्लियस को मैं एक्स नाम दूं, जेड ए कुछ इस तरह, तो मास ऑफ एक्स जेड ए न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर। समझ गए? तो ये हमारी बाइंडिंग एनर्जी थी। ये ध्यान दीजिए, यहां न्यूक्लियर मास है क्योंकि हम न्यूक्लियस की ही तो बात कर रहे हैं, कंबाइन करके हमने न्यूक्लियस बनाया, इलेक्ट्रॉन अभी नहीं घूम रहे हैं इसके, तो हमने जो बात की है वो न्यूक्लियस है।
ठीक है, तो ये हम न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस की ही बात कर रहे हैं, और अगर हम लिखते तो मास ऑफ एक्स एटम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आया समझ में कि नहीं? क्योंकि दिक्कत क्या है कि हमें पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मासेस ही तो गिवन होते हैं, ये पीरियोडिक टेबल से उठाओगे, और पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एटॉमिक मासेस पता होते हैं, तो अगर न्यूक्लियर मास चाहिए तो उसमें से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो इलेक्ट्रॉन कितनी थी जेड, और पीरियोडिक टेबल में न्यूट्रल एटम का मास होता है, तो पक्का जितने ही प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जेड तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, उतने ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, ये हटाया, ये आंसर है। और ये जो टर्म है, दिस टर्म इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, ये मास डिफेक्ट था हमारा, लेकिन हमने लास्ट क्लास में न्यूक्लियस की डेंसिटी में ये मान लिया था कि मास कंजर्व्ड है, माना था, लेकिन मास तो कंजर्व्ड नहीं है, न्यूक्लियस की डेंसिटी से निकालोगे तो एरर आएगी नहीं, जीरो आएगा मास। अरे तो ये डेल्टा एम एम के मुकाबले अब भी छोटा है, लेकिन जब हम एनर्जी की बात करेंगे तो वो तो बड़ी है, ये हम एनर्जी कंपेयर नहीं कर रहे, हम उससे कंपेयर नहीं कर रहे कि टोटल मास कितना था और कितना लूज हुआ, हम इस एब्सोल्यूट वैल्यू बात कर रहे हैं कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई, अकेला थोड़ी निगलेक्ट हो जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन अगर कल मैंने नहीं बताई तो बताई थी, हाँ, तो वही है, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन फ्री न्यूक्लियॉन्स, बिल्कुल, कंबाइन टू फॉर्म अ न्यूक्लियस। अब इसमें मास ऑफ प्रोटॉन 1.007276 एएमयू, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.123546, ठीक है, मास ऑफ एच एटम 1.007825, मास ऑफ हीलियम सॉरी अल्फा पार्टिकल 4.0026। तो मैं क्या करता हूं, सभी को राउंड ऑफ कर देता हूं चार डिजिट तक, ये मैंने राउंड ऑफ कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। कार्बन रिजल्ट याद नहीं करने आपको कि ये कितने वैल्यूज थी, ये हमेशा आपको गिवन होगा। हां, कुछ यहां चीजें समझना जरूरी है, न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर एज कंपेयर टू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा ताकतवर है, मतलब मास की रिस्पेक्ट में। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम है, ठीक है, बहुत कम है, और सही 1/1800 गुना कम है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को ऐड करिए, हाइड्रोजन बनेगा, और एग्जैक्ट हाइड्रोजन बना, समझ में आया? और सही बात है, यहां बाइंडिंग एनर्जी का कोई मतलब ही नहीं है लॉस होने का, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक ही प्रोटॉन है, बाइंड किसी के साथ करने ही नहीं है, तो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस की या हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस कुछ और नहीं, प्योर प्रोटॉन है, और इट हैज जीरो बाइंडिंग एनर्जी। प्रोटॉन तो एग्जिस्ट करता है, हमें कंबाइन करके नहीं बनाना पड़ता, पक्का समझ में आया? ठीक है, जहां तक बात करें कि क्वार्क की, क्वार्क ऐसे नहीं मिलते कि डेली लाइफ में अलग अलग क्वार्क हैं और हम चिपका के प्रोटॉन बनाते हैं, समझ गए? मतलब प्रोटॉन एक ऐसी चीज है, फंडामेंटल चीज है, जिसको आप बना नहीं सकते, बस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर क्वार्क कहीं सुना हो तो हमें सिलेबस में नहीं है, हमें डिस्कशन नहीं करना, बस इतना समझिए कि क्वार्क एक ऐसी चीज है जिनसे मिलकर प्रोटॉन बना होता है, और क्वार्क सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही पता चलते हैं, और हम अलग अलग प्रोटॉन लाके चिपका रहे हैं, तो न्यूक्लियस के बाहर प्रोटॉन्स हैं, तो हमें बनाना नहीं पड़ेगा, कंपनी से बने बनाए आएंगे,
समझ गए? चलो हाँ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जोड़ने पे ये इसका मास आया, सही बात है, क्योंकि कोई एनर्जी लूज नहीं हुई। लेकिन जब हम कार्बन की बात करते तो ये गड़बड़ हो जाता, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन मिलके जो आंसर आता उससे तो ये कम है, मतलब यहां एनर्जी रिलीज हुई है, क्योंकि इनको बाइंड करने में कुछ एनर्जी हमारी खर्च हुई है, तो जब ये बाइंड हुए तो कुछ एनर्जी बाहर निकल गई और जो मास का एरर है वही एनर्जी है। अब जरा हम अल्फा पार्टिकल के लिए समझते हैं, ये हीलियम एटम नहीं है, न्यूक्लियस है, समझ आया? अल्फा पार्टिकल इज डिफरेंट फ्रॉम हीलियम एटम, इट इज हीलियम न्यूक्लियस, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन से फ्री है। अब इसमें हम 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जोड़ते तो ये बनता, लेकिन आंसर तो ज्यादा आता, जरा देखिए एक, समझ गया ना, एवरेज मास प्रोटॉन का ही ज्यादा है, ये सब हम जोड़ते तो इससे तो बड़ा आंसर आता, इसका मतलब पक्का कुछ मास का लॉस इसमें भी हुआ है, तो बाइंडिंग एनर्जी तो इसके पास भी है, पक्का यहां तक समझ आया? अब जरा हम ये ऑर्डर समझते हैं कि ऑर्डर कितना है, उसके पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा इनकी यूनिट क्या है, एएमयू सबकी यूनिट, तो हम 1 AMU व्हेन कन्वर्टेड टू एनर्जी, हम ये चेक कर लेते हैं क्योंकि हमें बार बार एमसी स्क्वायर करना है, तो हर बार एएमयू को किलोग्राम में कन्वर्ट करते फिर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम देख ही लेते हैं कि 1 AMU कितनी एनर्जी बनता, 1 AMU मतलब 1.67 × −27 इंटू सी स्क्वायर 3 × 10^8 इंटू 3 × 10^8 यही आती है एनर्जी 9। हाँ, और एक मिनट, हम चाह रहे हैं ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, क्योंकि हम इतने दिन से इलेक्ट्रॉन वोल्ट खेलते आ रहे हैं, थोड़े दिन और सही, क्योंकि इससे कंपेयर करना आसान होगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही यहां यूनिट है, क्यों? क्योंकि जूल बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी यहां, ये समझ में आया? एटम्स के लेवल पे जूल बहुत बड़ी यूनिट है, एक एटम को एक जूल देना बहुत बड़ी एनर्जी, समझ गए? इसीलिए हम एक छोटी यूनिट पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेली लाइफ में काफी छोटी है, ठीक है, लेकिन एटॉमिक लेवल पे ठीक ठाक। चलो अब देखें यहां पे, तो 1.6 रफली काट दूं, मुझे पता है स्लाइटली ये बड़ा है, तो ये 3 और 3 मल्टीप्लाई करने पर लगभग 9 आएगा, समझ गए? बाकी ये मोमाया देखते हैं कितनी बनती, 10 पे -19 -8 27 कट गए, 10 पे 8 9 × 10^8 के करीबन, अप्रोक्सीमेटली 9 × 10^8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वैसे सॉल्व करने पर लगभग 931। ये समझ में आया कि हम वो अप्रोक्सीमेशन नहीं लेते, प्रॉपर वैल्यू छापते, तो प्रॉपर वैल्यू छापने पे आता ये, ये समझ में आया? 100 इसको चिपकाया, 10 पे 6 इसको चिपकाया, तो ये सॉल्व करने पे आया 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कभी कभी हम इसको 900 भी ले लेंगे, समझ गए, क्योंकि ये 3% की एरर है, 900 की जगह 31 लेते, 900 पे 90 10% की एरर है, ये 3% की एरर है, कभी कभी वो 3% परमिसिबल होगा, कभी कभी नहीं होगा, इसीलिए मैंने यहां 900 ना लेके, कम से कम इस वैल्यू में तो हम एरर ना रखें, एक वैल्यू तो हमें याद करनी है, यही कर ली, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, 1 AMU जब कन्वर्ट होगा। अब ये काफी बड़ी एनर्जी है डेली लाइफ में नहीं, लेकिन एक एटम को इतनी मिलेगी ये तो बहुत ही बड़ी एनर्जी है, क्योंकि हमारे एटम तो बेचारे कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही खेल रहे थे, एक्सरेज में किलो पे पहुंचे, और एक्सरेज के हिसाब से भी ये बहुत बड़ी है, समझ गए? तो एक चीज हमने निकाली और याद कर ली, ठीक है, तो एक रिजल्ट और जो हमने बगल में लिख लिया, 1 AMU 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन कन्वर्टेड टू एनर्जी। चलो अब हम आते हैं, अब अगर मुझसे कहा जाए कि बताओ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, तो हमें पता है न्यूक्लियस किससे मिलकर बना है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इसमें से अल्फा पार्टिकल का मास घटा दूं, यही मास डिफेक्ट है,
इसका ट्वाइस अगर ऐड करूं, इसमें से ये अल्फा माइनस कर दूं, तो ये फोर वाला हिस्सा तो कट ही जाएगा, बाद में कर देते चलो। ट्वाइस ऑफ 1.0073, ट्वाइस ऑफ 1.0087 माइनस फोर टाइम्स 0026, तो ये बना 73 का ट्वाइस, समझ गए, 146, 87 का ट्वाइस, समझ गए, 174, सही है, 10174, 0.0026, फोर वाला टर्म मैंने काट दिया। क्या कोई दिक्कत है? ये वाला यहां काट दूं तो 0.0120 और 120 इसमें जोड़ूं तो 0.0294। आया समझ में? ये EMU, लेकिन एनर्जी मेरी कितनी है? डेल्टा एम सी स्क्वायर 0.0294 इंटू 931, तो क्यों ना इसको मैं 3 ले लूं, इसको लगभग 900 ले लूं, क्योंकि फाइनल आंसर में 2-3% की एरर कहां मैटर करती है, समझ गया ना। यहां 931 को 900 लिया तो हमारे पास एरर आई 3% की माइनस, यहां मैंने बढ़ाया तो यहां लगभग 1% की प्लस, तो 2% की माइनस है, तो या तो आप फाइनल आंसर में 2% घटा देना तो आप काफी क्लोज पहुंच जाओगे एग्जैक्ट वैल्यू के। ये फील आया? मैं क्या करता हूं, कई बार कैलकुलेशन करके मिटा के लिख देता हूं कि अच्छा ये मान लेते हैं, उस दौरान मैं यही करता हूं कि पहले अप्रोक्सीमेट कर लेता हूं, फिर जैसे 8.7 आया मैंने कहा हल्का सा बड़ा आएगा और 8.73 लिख दिया, उसमें जो अगला डिजिट लिखता हूं वह ऐसे ही सोच के लिखता हूं कि 931 को 900 माना, 30 की एरर 90 पे, 3% की एरर, और प्रोडक्ट में परसेंटेज एरर्स आर डायरेक्टली एडिट और सब्ट्रैक्टेड, डिपेंड करता है बड़ा ज्यादा है, 3% घटा, यहां हमने बढ़ाया 0.29 को 0.30, 30 पे एक, ये भी तो 3% ही है, हालांकि 0.294 है, समझ गए। तो अब हमें उससे दिमाग लगाना नहीं है क्योंकि ये एरर कंपेंसेट हो गई है लगभग, तो हमारा आंसर आया लगभग ये कितना आया, 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काफी क्लोज हमारा आंसर है, करेक्शन करने की जरूरत नहीं और करना भी नहीं था, 27 की जगह 26 आ जाता कितना अंतर आता, है ना, समझ गए, यह 28 आ जाता क्या फर्क पड़ रहा था, मैं तो कह रहा हूं 27 की जगह 28 आता, 26 आता, काफी कम है, क्योंकि 4% की एरर मतलब 25 पे एक की एरर, और हमें पता है एरर 4% से भी कम है, 2% के आसपास की थी, इसीलिए सब भूल गए, हमने दिमाग नहीं लगाया, आंसर हमारा आ गया 27, ठीक है। अब जरा देखिए, मैं निकालता हूं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कार्बन एटम, पूरा बहुत अच्छे से समझिएगा, सॉरी एटम नहीं न्यूक्लियस, ये फील आया, ये एटम की बात नहीं चल रही है, न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए कितना चाहिए, एटम की बाइंडिंग एनर्जी में तो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी का रोल आ जाएगा फिर, हालांकि वो न्यूक्लियस के कंपैरिजन में निगलेक्ट हो जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा में निगलेक्ट हो गए, लेकिन फिर भी समझिए हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। यहां डेल्टा एम 6 मास ऑफ प्रोटॉन, 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस 12, और ये 12 एग्जैक्ट है, आ गया समझ, तो इसमें से समझिए कि 12 वाला टर्म तो कट गया, 6 वाले की वजह से ये आता, 6 वाले की वजह से ये आता, तो फाइनल आंसर इन दोनों का 3 गुना आता, जो फाइनल आंसर आता इन दोनों का 3 गुना आता, तो ये 3 गुना ऑफ 0.0146 और 0.0174, तो 3 गुना ऑफ 0.0232, आया समझ में, तो 0.096। फिर बाइंडिंग एनर्जी निकालना है तो डेल्टा एम सी स्क्वायर 0.096 इंटू 931, इस बार तो एरर और भी कम, ये 96 को 100 मानू तो 96 को 100, 4% बढ़ा दिया, 931 को 900, 3% घटा दिया, तो ओवरऑल मैंने 1% ज्यादा बढ़ा दिया, तो फाइनल आंसर को 1% गिराना पड़ेगा, फील आया, और 1% तो चलता है,
तो ये 0.1 × 900 90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब ज्यादा ही कैलकुलेशन करना है तो 1% 89.1। कैलकुलेटर से देखना कितना आता है, 1% वापस गिरा दो, 89.376। हाँ ठीक है, 31 पे 900, ठीक है, ये कौन सा 3% था, क्लोज है काफी। चलो हाँ क्या 12, एक मिनट, कार्बन न्यूक्लियस तो हमें कार्बन पता है ना, हालांकि एक छोटी सी दिक्कत है कि ये 12 एएमयू किसका आंसर है, कार्बन एटम का, और हमें किसका आंसर लिखना है। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या कर रहे हो, ऐसे बैठो पहले तो। कार्बन न्यूक्लियस और हम ले रहे हैं कार्बन एटम का, मतलब इस पूरे कैलकुलेशन में, पूरे कैलकुलेशन में 6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की एरर है, और दरअसल यहां 6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस आएगा, तो यहां 6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस आएगा। तो अब ये एरर करने के लिए क्यों ना मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल लूं, ये लगभग बड़ी अच्छी आती है। पूरा इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी में कन्वर्ट होता तो इतना आएगा, बड़ा आसान है, इसका 1800 गुना कम, 1837 से डिवाइड करो, आधा ही तो बचेगा। ये फील आया, न्यू लगभग एक प्रोटॉन है, उसका 1800 गुना कम इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी एनर्जी भी इसका 1800 गुना कम आएगी, लगभग 0.5 आएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से 0.5 का एरर है, तो इसमें 6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ने, वो हम 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां जोड़ लेंगे। ये समझ आया, ये जो करेक्शन फैक्टर है वो मैंने सीधे यहां दे लिया। तो मैंने पूरे में फिर से कैलकुलेशन करता ये लिखता तो हमें पता है 6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कम आता, आंसर में 6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आता, एनर्जी ज्यादा आती, लगभग 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चल ही रहा है तो चलेगा। 93, ये मैंने मेहनत यूं ही नहीं की है। अब देखिए इसका आंसर आया 27, उसका आंसर आया 93। अब बिल्कुल समझ में आ रहा है कि जब कार्बन बन रहा है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, और ये समझ में ऐसे भी समझ में आ रहा है कि कार्बन में देखिए 12 ही मास बचा, इवन न्यूक्लियस का मास तो 12 से भी कम है, और इसका तो मास 4 से ज्यादा है अल्फा पार्टिकल का, मतलब कार्बन में ज्यादा लॉस हो रहा है। और ये समझ में भी आ रहा था कि बाइंडिंग एनर्जी कार्बन की ज्यादा आनी चाहिए, पहले ये फील करिए, ज्यादा न्यूक्लियॉन्स हैं, और जितने न्यूक्लियॉन्स हैं बांध के रखना उतना मुश्किल होगा, उतना ज्यादा हमें एनर्जी बाहर फेंकनी पड़ेगी जस्ट टू बाइंड देम टुगेदर। तो ये तो कॉमन सेंस था कि आंसर बड़ा आएगा, पक्का समझ गए। तो ये तो समझ में आ रहा था कि जितना बड़ा न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज्यादा, तो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस के एटॉमिक मास के साथ बढ़नी चाहिए, क्लियर। लेकिन अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दरअसल स्टेबिलिटी, अब अगर एक मिनट हम ऐसा माने बिल्कुल, मतलब प्राइमा फेसी क्या कहती है, पहला फर्स्ट इंस्पेक्शन में हमें समझ में आया कि स्टेबिलिटी को सीधे बाइंडिंग एनर्जी से लेना देना है, और सही बात है, ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी हार्डर विल बी टू ब्रेक, हां समझ गया, टू ब्रेक न्यूक्लियस इंटू इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स। तो ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी मोर स्टेबल इज न्यूक्लियस, लेकिन क्या बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए स्टेटमेंट, जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ज्यादा न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करना मुश्किल होगा, समझ गए। लेकिन जब न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो आपको सभी न्यूक्लियॉन सेपरेट करने की बात नहीं हो रही, एक भी निकल के फिक गया तो अनस्टेबल है, ये समझ आया, सभी बाइंड होना चाहिए, एक भी न्यूक्लियस बाहर जाने की कोशिश करेगा ठीक है तो वो अनस्टेबल है। मतलब ये स्टेबिलिटी इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स पे स्टडी होनी चाहिए, समझिए 4 न्यूक्लियॉन को बाइंड करने के लिए 27 है, तो पर हेड 6 के करीबन है,
समझ गए 6.75, लो एग्जैक्ट बोल दिया, अब चलता है। हाँ तो 6 के करीबन बाइंडिंग एनर्जी है, हर एक को बांध के रखने के लिए एनर्जी अवेलेबल कितनी है 6, यहां हर एक को बांध के रखने के लिए एनर्जी कितनी अवेलेबल लगभग 8, ये समझ में आया? मतलब यहां अगर हर एक न्यूक्लियॉन पे 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खर्च हुई है, बाहर निकली है, हर एक न्यूक्लियॉन पे यहां 6.7 खर्च हुई है, अब कौन ज्यादा स्टेबल है? ऑब्वियसली वही, इत्तेफाक है कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा थी वही ज्यादा स्टेबल निकला, ठीक है। लेकिन जरा सोचिए एक तीसरा एग्जाम्पल जो हमें पता नहीं, कोई एक अननोन न्यूक्लियस है 100, इसकी बाइंडिंग एनर्जी 100 करने पे मान लीजिए आता 680 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आती, तो इससे लग रहा है कि ये 100 वाला तो एक्सट्रीमली स्टेबल है क्योंकि इतनी ज्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन क्या ये इतनी ही ताकत से सभी न्यूक्लियॉन को बाइंड किए हुए? ये तो 100 को बाइंड करने के लिए आई, तो एक को बाइंड करने के लिए 6.8 है, एक को बाइंड करने के लिए जो एनर्जी है वो 6.8 है, इसका मतलब उस न्यूक्लियो एक न्यूक्लियॉन को तोड़ना यहां ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू हियर। यहां 12 को 93 है, 8 के करीबन है, तो एक न्यूक्लियॉन को 8 एनर्जी से बांध रखा है 8 से, वहां एक न्यूक्लियॉन को हमने 6.8 से बांध रखा है, तो ऑब्वियसली उसमें वो न्यूक्लियॉन निकालना ज्यादा आसान है, सॉरी इसमें इसमें। तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी आई थी पर हेड की 6.8, मतलब इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अल्फा, बट इट इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू कार्बन। मतलब बाइंडिंग एनर्जी मेजर नहीं है स्टेबिलिटी का, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज अ मेजर ऑफ स्टेबिलिटी, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो बड़े न्यूक्लियॉन्स स्टेबल होते, समझ गए? जबकि बड़े न्यूक्लियॉन्स में स्टेबिलिटी कम दिखी, जो बड़े हैं मतलब जिनका एटॉमिक मास 250 के आसपास है, यूरेनियम वगैरह 235, ये सब रेडियो एक्टिव है, मतलब उनके न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है। इस पूरे डिस्कशन से कि स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ जो बनाया गया ए के साथ, वो ग्राफ आया कुछ ऐसा। और सब 8.8 के आसपास आयरन की, ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ है, ये ग्राफ आया 0 से चालू हुआ, ए की वैल्यू जब 1 है, हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी 0 है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ती गई, ठीक है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पहुंची, जो मोस्ट स्टेबल है वो आयरन का न्यूक्लियस है, इसको तोड़ना सबसे मुश्किल है, ए के साथ है, जेड के साथ ग्राफ नहीं है, ए के साथ है, और हम ए बढ़ाते गए, लेकिन बड़े जब ए की वैल्यू बात हुई तो फिर से स्टेबिलिटी घट गई। मतलब अगर हमें पता करना है कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है तो हम सिंपली देखेंगे किसका वाई कोऑर्डिनेट ज्यादा है। हां, अकेली बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ ए के साथ बनाते तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि ग्राफ बनेगा ऐसा, ए के साथ बाइंडिंग एनर्जी तो बढ़ेगी, जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन उतनी बाइंडिंग एनर्जी, लेकिन हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी में, तो अकेली बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ तो ऐसा है, हमेशा बढ़ रहा है, पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ ऐसा था। अब ये ग्राफ आपको याद नहीं करना है, इस ग्राफ से जो इन्फ्रेंसेस निकलेंगे वो याद करना है, वो समझना है। मतलब ग्राफ आपको कुछ भी हाइपोथेटिकल दिया जा सकता है, वैसे ऐसा होता है, तो अगर ग्राफ दिया है उसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, उन कोऑर्डिनेट से आप क्या अंदाज लगा सकते हैं, और क्या अंदाजा लगा सकते हैं? एक तो स्टेबिलिटी, हम स्टेबिलिटी बता सकते हैं, ऑब्वियसली मास डिफेक्ट भी बता सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे इसमें आपको पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी पता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बाइंडिंग एनर्जी मिल गई, और बाइंडिंग एनर्जी मिल गई तो मास डिफेक्ट मिल गया, और मास डिफेक्ट मिल गया तो मास भी मिल गया, इंडिविजुअली तो मास पता थे ही, कितने का लॉस हो गया वो मिल गया, बचा हुआ न्यूक्लियस का मास है। तो इस ग्राफ के काफी सारे यूजेस हैं।
एक मिनट, एक बार जरूर रिपीट कर रहा हूं कि फिर से समझिए, बाइंडिंग एनर्जी क्यों नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्यों यूज किया। पर न्यूक्लियॉन बाइंड करने के लिए आप जितनी एनर्जी यूज करोगे उतना ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि अनस्टेबल का मतलब एक भी न्यूक्लियॉन भाग गया तो अनस्टेबल है। इंडिविजुअली हर न्यूक्लियॉन को बांध के रखना है आपको, इसीलिए हम पर कितनी उसकी बात कर रहे हैं। चलो, तो ऐसा कुछ है, ये ऑब्वियसली ये सब एक्सपेरिमेंट कर करके चेक किए गए होंगे। जैसे मासेस हमारे पास, या तो ये समझिए कि सबके पीरियोडिक मास, पीरियोडिक टेबल में मासेस पता है, सबके कैलकुलेशन कर करके आंसर निकाल लिए, बनाया तो कुछ ऐसा बना। अब इससे कंक्लूजन्स क्या मिलेंगे, तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मोर है तो इट इज मोर स्टेबल। तो पहली चीज तो हम स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं, दूसरा इसी से हम मास डिफेक्ट अगर चाहिए इन न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस, तो ये आया डेल्टा एम इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर। और बाइंडिंग एनर्जी कितना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बाय सी स्क्वायर। आपकी मर्जी 931 ले सकते हैं अगर बाइंडिंग एनर्जी मेगा वोल्ट में, तो आप यहां समझ सकते हैं इससे मास डिफेक्ट मिल गया। तीसरा, और ये काफी इंपॉर्टेंट, तीसरा है फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन हमारी फीजिबल है या नहीं, ये भी हम इससे पता लगा सकते हैं। देखिए ये क्या है, मान लीजिए ए से ए बी और सी में टूटा, न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ए से अगर बी और सी में टूटा ये फीजिबल है या नहीं ये हम बता सकते हैं, ये हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं अभी। और ये क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन, ये भी समझ में आएगा कि ये क्या है, उसके लिए एक यूज हम अच्छे से समझेंगे। तो पहले एक हाइपोथेटिकल ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, या पहले चलो इसी में शुरू के दो क्वेश्चन तो हम इसी से अंदाज लगा लेंगे। तो जैसे मान लीजिए ग्राफ यही है, तो यहां 56 का 8.8, बाकी मान लीजिए 40 का 7, ठीक है, यहां से 30 का 6.5 और यहां से 80 का 7.5 और यहां 100 का 6.2। अब जैसे इनके हम नाम दे देते हैं, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ये डी, ये ई। अब इनमें देखें मोस्ट स्टेबल कौन सा है, या स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सबसे ज्यादा सी, फिर डी, फिर बी, फिर ए। अरे ये बना 6.5 लिखा है, लिखा 6.2 है। चलो ई, ठीक है, ये तो स्टेबिलिटी मिल गई। अब हमसे पूछा होता बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डी न्यूक्लियस, तो डी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 7.5 इंटू 80। आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब हमसे क्या पूछा होता बाइंडिंग एनर्जी, हां अब हमसे पूछा होता मास ऑफ बी न्यूक्लियस, बी न्यूक्लियस का मास चाहिए, तो ये क्या बनता, इसके अंदर हमें यह पता होना चाहिए आखिरकार इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं। ये समझ आए, क्योंकि 40 के 40 40 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समेशन है, तो ये मैं कैसे दूंगा कि बी और यहां से 18 22, इसका मास चाहिए, मतलब ये टोटल 40 है, तो इसका आएगा 18 मास ऑफ प्रोटॉन
ये कितना है, सॉरी 40 लिखे, हाँ 22 मास ऑफ न्यूट्रॉन, 18 प्रोटॉन है, 22 न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का तो रोल ही नहीं है क्योंकि हम मास ऑफ दिस न्यूक्लियस लिख रहे हैं, एटम का चाहिए तो फिर हम वो भी जोड़ देंगे, इसमें से कितना घटाना है माइनस बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 40 वाले की, 40 × 7, आया समझ में, लेकिन ये तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो किससे डिवाइड करेंगे, 931। अब ये भी एएमयू, ये भी एएमयू, ये भी एएमयू, तो इसका न्यूक्लियस का मास एएमयू में आ गया। अब अगर मुझे इसके एटम का मास चाहिए तो प्लस 18 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 18 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1/1837 एएमयू। कि न्यूक्लियस का मास क्या है, इंडिविजुअली इन दोनों का मास कितना होता, उसमें से कितना लॉस हो गया, वो न्यूक्लियस का मास है। एटम का मास पूछा है तो हमने ये जोड़ दिया। तो ये दो यूजेस तो समझ में आए, मेन है अगले दो काम की फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन और क्यू वैल्यू। अब फीजिबिलिटी के लिए, अब देखिए कोई रिएक्शन ए से बी बना, मान लो ए से बी, किसी भी रिएक्शन की बात कर रहा हूं, केमिकल या कोई भी, इज फीजिबल इफ बी इज मोर स्टेबल। ये समझ में आया कि नहीं? अगर प्रोडक्ट बी की जगह प्रोडक्ट समझे, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो फीजिबल है। और ये समझिए फीजिबल मतलब हम बात कर रहे हैं एनर्जेटिकली फेवरेबल, कि एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल है कि नहीं। और सही बात है, रिएक्टेंट टूटेगा प्रोडक्ट बनेगा, ये फील आया क्या कह रहा हूं, रिएक्टेंट टूटेगा प्रोडक्ट बनेगा। अब रिएक्टेंट टूटेगा तो हमें एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर। प्रोडक्ट बनेगा तो कितनी रिलीज होगी, उसकी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर। अगर उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो वो ज्यादा स्टेबल है, लेकिन अभी हमने कहा स्टेबिलिटी तो पर न्यूक्लियॉन होती है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर कंजर्व्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स नहीं बदलेंगे, जितने न्यूक्लियॉन्स इस तरफ हैं उतने ही न्यूक्लियॉन्स उस तरफ होंगे। इसीलिए चूंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर है, तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी ज्यादा ही होगी, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन दोनों तरफ बराबर है। याद दिलाता हूं, ये कभी ना कभी करा होगा, जैसे ये होता 10, ये होता 22, इसमें से निकला ये 2, ये 4, तो ये कैसे लिखते हैं हम 18, और ये कैसे लिखते हैं 8। तो ये जो कर रहे हैं ये कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, ये न्यूक्लियॉन्स कंजर्व कर रहे हैं, और ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ये चार्ज कंजर्वेशन है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन नहीं है, मास तो कंजर्व है ही नहीं, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंजर्व है। हाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में हो जाए, ये चलेगा, लेकिन टोटल जितने न्यूक्लियॉन्स इस तरफ हैं उतने ही न्यूक्लियॉन्स उस तरफ होंगे। आपस में कन्वर्ट होना अलाउड है लेकिन लूज होना अलाउड नहीं है, कि प्रोटॉन खत्म ही हो जाए, ठीक है। तो नंबर ऑफ, समझिए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जितने इस तरफ हैं उतने इस तरफ हैं, और अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दोनों तरफ कंजर्व्ड हैं, और फिर कह रहा हूं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जरा देखिए अभी समझ में आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये 10 ये 20, तो ये -1 ये 0, तो ये कितना आएगा 11, ये कितना आएगा 20। अब जरा देखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 10 थे 11 हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 की जगह 11 हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टोटल तो 20 ही है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10 की जगह 9 हो गए, मतलब इस प्रोसेस में क्या हुआ है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, और प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, फील आया? तो इस प्रोसेस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो कंजर्व्ड है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दोनों तरफ बराबर है, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी चेक कर लो,
अब जरा समझिए, मैं वापस आता हूं जो मैं कह रहा था कि रिएक्टेंट को तोड़ेंगे एनर्जी देनी पड़ेगी, प्रोडक्ट बनेगा एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो रिलीज ज्यादा होगी, एब्जॉर्ब कम होगी। मैं क्या लिख रहा हूं, इफ प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, देन नेट एनर्जी इज रिलीज्ड, क्योंकि रिएक्टेंट टूटेगा, हमने एनर्जी दी, प्रोडक्ट बना, एनर्जी निकली। प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी, और ज्यादा एनर्जी निकलेगी तो नेट एनर्जी रिलीज ही होगी, तो ये एक्सो एनर्जिक प्रोसेस होगी। नाम समझ में आया? अब यहां एक्सोथर्मिक ही क्यों नहीं कह दिया, क्योंकि थर्मिक ऑलरेडी नाम था, क्योंकि थर्मल एनर्जी इतनी छोटी है, थर्मल एनर्जी तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी नहीं थी, 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की है, तो थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाएगा वो, समझ गया ना। इसीलिए नाम एक्सो एनर्जिक कहा, कि जो एनर्जी निकली है वो हीट नहीं है, वो कुछ और है, या तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है, या गामा रेज है, अल्फा बीटा गामा टाइप के कुछ है, ठीक है। हाँ, तो कोशिश करिए समझने की, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो नेट एनर्जी रिलीज होगी, और अगर हमें नेट एनर्जी नहीं देनी पड़ी तो वो खुद ही अपने आप में एनर्जी फेंक रहा है, और एनर्जी फेंक रहा है तो ये एनर्जेटिकली फेवरेबल प्रोसेस है, ठीक है। केमिस्ट्री में फिजिबिलिटी पढ़ी, डेल्टा एच नेगेटिव होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस गिव्स फ्री एनर्जी। हाँ, तो उसमें हम ये कहते हैं कि गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होनी, और अगर टी डेल्टा एस भूल जाओ तो डेल्टा जी ही डेल्टा एच है, एंट्रोपी की बात नहीं करते, टी डेल्टा एस हटा देते, तो डेल्टा जी ही डेल्टा एच है। ध्यान दीजिए, ये एंट्रोपी एक नया रोल प्ले कर रहा है, कि अकेले एनर्जी से ही काम नहीं चलता, एक और चीज होती है रेंडमनेस, जो रिएक्शन होगी या नहीं होगी उसको डिसाइड करता है, और हम बात कर रहे हैं एनर्जेटिकली फेवरेबल, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है कि नहीं हम ये बात कर रहे हैं, तो ये भूल गए हम। अब जब जब डेल्टा एच नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, फ्री एनर्जी आएगी, मजा आएगा। और डेल्टा एच किस प्रोसेस में नेगेटिव होता है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? तो केमिस्ट्री में भी एक्सोथर्मिक ही फीजिबल थी, बेहतर मैं कहूं एनर्जेटिकली फीजिबल थी, समझ गए, क्योंकि डेल्टा एच जिसका नेगेटिव है, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने कह दिया ये हो जाएगा, समझ गए। एक्चुअली एनर्जी अकेला रोल प्ले नहीं करती, और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे एंट्रोपी इज वन ऑफ द फैक्टर, कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में समझ में आएगा कि असली में ये सब क्या चल रहा है, ठीक है। चलो, अब फिलहाल ये समझने की कोशिश करिए, एक्सो एनर्जिक होना या फीजिबल होना या प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होना, एक ही चीज है, कि जब जब हम फीजिबिलिटी की बात करेंगे तब तब हम बात कर रहे होंगे प्रोडक्ट इज रिलेटिवली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, या हम बात कर रहे हैं नेट एनर्जी इज रिलीज इन द प्रोसेस। बस एक छोटा सा अंतर है कि हमारा क्यू क्यू हीट ही है, क्यू वैल्यू पॉजिटिव, ये फिर से कन्वेंशन उल्टे हैं। केमिस्ट्री में एक्सोथर्मिक की हीट पॉजिटिव लिखते हैं हम, नेगेटिव लिखते हैं हम, एक्सोथर्मिक की हीट पॉजिटिव लिखते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स में भी था, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में हम मानते हैं कि हीट सप्लाइड पॉजिटिव है, उसमें जस्ट उल्टा होता है, समझिए, उसमें हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव था, ठीक है। तो दोनों में उल्टा था, इसीलिए वो उल्टा उसमें अभी भी चला आ रहा है और इसमें अभी भी चला आ रहा है। क्यू पॉजिटिव है क्योंकि लॉजिक है, फिजिक्स में हम एनर्जी लेने का खेलते हैं और केमिस्ट्री में एनर्जी देने का खेलते हैं, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस करानी है और इसमें हमें रिएक्शन से आउटपुट चाहिए, फिजिक्स में हमें एनर्जी चाहिए किसी से, जितनी इधर से मिल जाए इधर से मिल जाए फिर हम इसको कन्वर्ट कर दें, ठीक है, इसीलिए वो कन्वेंशन उल्टे बना लिए गए। चलो फिलहाल ये समझने की कोशिश करिए, इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, ठीक है। और क्यू वैल्यू क्या हो गई, हम क्यू वैल्यू मतलब सिंपली हो गई एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस, रिलीज्ड इन प्रोसेस।
पॉजिटिव है मतलब वाकई में रिलीज हो रही है. इफ इट इज नेगेटिव दैट मींस एनर्जी इज नीडेड टू कैरी आउट रिएक्शन. अब ये हम पता कैसे करेंगे, ए से बी में जाना है, मान लीजिए ए बी यहां है सी यहां है. अब मैं कह रहा हूं ए से बी प्लस सी में या बी प्लस सी से ए में विच इज फीजिबल, कौन सा फीजिबल है इन दोनों में. ये समझ में आया? क्योंकि ये तो हम समझ गए जिसका वाई कोऑर्डिनेट ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है. तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ए. तो ये मोस्ट स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है. ये समझ में आया? यहां ये मोस्ट स्टेबल, यहां लेस स्टेबल, और जिसमें हम मोर स्टेबल की तरफ जाएंगे वो प्रोसेस पक्का फीजिबल है. ये समझ आया? इसका मतलब इसकी क्यू वैल्यू पॉजिटिव है तो इसकी क्यू वैल्यू नेगेटिव. तो यहां दरअसल हमें एनर्जी देनी पड़ेगी. ये फील आया? यहां इतनी एनर्जी दोगे तब जाके ये प्रोसेस होगी, और ये प्रोसेस हुई तो यहां एनर्जी रिलीज हो जाएगी. पक्का समझ आया? इसी से ये समझ में आता है कि फिजन या फ्यूजन कौन सी प्रोसेस का फीजिबल है. जैसे समझिएगा ये 56 है. अब मैं कह रहा हूं कि एक 20 और दूसरा भी 20 मिलके 40 बन गया. इज इट एनर्जेटिकली फीजिबल? दो 20, 20 मतलब यहां है, 40 मतलब यहां है, तो दो 20 मिलके 40 बन गए. सही बात है. मतलब ये फ्यूजन फीजिबल है. दो एक्स फ्यूज होके एक वाई बनाएंगे तो ये एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो सकता है. ध्यान दीजिए, असली में ऐसा हो सकता है कि नहीं, और भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए. जैसे केमिस्ट्री में अकेला डेल्टा एच नहीं, एक टी डेल्टा एस था. इसमें भी बाकी फैक्टर क्या है वो सिलेबस में नहीं है. हम बात कर रहे हैं एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा होगा कि नहीं. एनर्जी ने अलाउ कर दिया डजंट मीन कि हो जाएगा. जैसे आप समझिए, एक ब्लॉक को मैंने यहां से कहा कि यहां से यहां तक जा सकता है कि नहीं, तो आपको बिल्कुल जा सकता है. इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, अपने आप चला जाएगा. क्या वाकई में चला जाएगा? एक एक्टिवेशन का वैरियर क्रॉस करना पड़ेगा. एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, यहां तक तो भेजना पड़ेगा. तो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से भले ही अलाउड था, लेकिन कुछ और हर्डल्स हैं जो हमें क्रॉस करनी पड़ेगी. हाँ, तो ये एनर्जेटिकली फीजिबल है. लेकिन अगर मैं कहूं 40x 40x 80 और बेहतर मैं 50 लूं, काफी क्लोज हो जाऊं इसके, तो अब मेरे x इसके काफी क्लोज हैं दोनों, और हमारा y इधर कहीं है. अब हम मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ जा रहे हैं. ये समझ में आया? यहां ये मोर स्टेबल था, यहां ये मोर स्टेबल. ये तो फ्यूजन देखा. अब फिजन देखें कि एक 100 वाला मिलके या 120 वाला मिलके दो y में टूट गया जो 60 है. 120 यहां कहीं होगा, 60 यहां कहीं होगा. सही बात है. लेकिन अगर मैं कहूं एक 60 वाला 230 में टूट गया. अब 60 56 के काफी क्लोज है और 30 यहां कहीं होगा, तो हमारा रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट यहां है. समझ गए? लेकिन हम हमेशा इससे डिसाइड कर लें वो जरूरी नहीं है. जैसे 60 या 70 एक्स टूटा 50 वाई 20 जेड. अब जरा सोचो, 70 यहां कहीं है, 50 56 के काफी क्लोज है, लेकिन 20 दूर है. तो ये हमारा रिएक्टेंट है. रिएक्टेंट ये है, ये दो प्रोडक्ट हैं. एक प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, एक प्रोडक्ट कम स्टेबल है. तो यहां तो नहीं आया समझ में पक्का? लेकिन यहां हम पता लगा सकते हैं अगर हमें इनकी बाइंडिंग एनर्जी दे रखी होगी. तो हम इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालें, इसकी निकालें, इसकी निकालें, अगर इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा आ गई तो इट इज मोर स्टेबल. तो फिर हमें अब कैलकुलेट ही करना पड़ेगा. लेकिन इनमें कैलकुलेशन करने का मीनिंग नहीं था, क्योंकि इनमें आप इनकी निकालते इसकी निकालते ज्यादा ही आती. तो हमें हमेशा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, कभी कभी अंदाज लग जाएगा. नहीं लगता है तो हम कैलकुलेट कर लेंगे. ओवरऑल
तो अब हमें समझ में आया कि Q वैल्यू का आंसर क्या आया, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, दोनों घटा दो क्योंकि ये एनर्जी देनी पड़ी, ये एनर्जी रिलीज हुई, क्योंकि रिएक्टेंट टूटता है प्रोडक्ट बनता है, और जब बनता है तो एनर्जी निकलती है। और शायद इसमें और मजा आए, मास ऑफ, मास से निकालूं तो किसमें से किसका घटेगा, नहीं अरे कॉमन सेंस है यार ये तो, नहीं आया समझ में, क्योंकि मास की बात करें तो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट घटेगा, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट के पास मास ज्यादा होगा, प्रोडक्ट के पास कम होगा, वही मास का डिफरेंस तो एनर्जी है। अगर यहां एनर्जी रिलीज हुई है तो वो आई कहां से, मास से। तो बिल्कुल कॉमन सेंस था कि या तो मैं इसके मास में से इसको घटा दूं, जो एनर्जी रिलीज हुई वो यहां लिख दूं, या मैं ये देखूं कि इसको तोड़ा कितनी एनर्जी देनी पड़ी, इसको बनाया कितनी एनर्जी निकली, उनका डिफरेंस। ऑर्डर पलटना कोइंसिडेंस नहीं था, क्योंकि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है उसका मास कम है, तो ये उल्टा होना ही था। लेकिन यहां मास की तो इंफॉर्मेशन हमें दिख नहीं रही है, बाइंडिंग एनर्जी की जरूर दिख रही है, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और फीजिबिलिटी क्या है, सिंपली क्यू वैल्यू निकालो, पॉजिटिव है तो फीजिबल है, नेगेटिव है तो फीजिबल नहीं है। क्यू वैल्यू को जरूर देख लो, से फाइंड क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन एंड हैंस प्रिडिक्ट इफ इट इज एनर्जेटिकली फेवरेबल। फीजिबल जैसे ये था, अब देखिए यहां हम 1H2 हीलियम में बना रहे हैं, फ्यूजन की रिएक्शन देख रहे हैं कि सन पे जो फ्यूजन की रिएक्शन होती है उसमें कितनी एनर्जी निकलती है, ठीक है, एंड हेंस फाइंड एनर्जी रिलीज्ड इन 1 ग्राम ऑफ 1H2 सैंपल। लिखी दिया तो फेवरेबल फीजिबल हो गई, ठीक है। हाँ, अब यहां मुझे मासेस चाहिए, तो मासेस हैं 1H2 का मास 2.0141, मास ऑफ हीलियम 24 इसका मास है 4.0026, ठीक है, ये इनके एटॉमिक मासेस हैं। ठीक है, यहां बस हम ये ऑर्डर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जो सन की एनर्जी है 1 ग्राम हाइड्रोजन सैंपल होता ये वाला, तो ये 1 ग्राम से कितनी एनर्जी निकलती, तो एक रिएक्शन में कितनी निकली, पहले हम ये सोचेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए फॉर्मूला बनाएं, तो चूंकि मासेस दे रखे हैं तो क्यू वैल्यू क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। अब रिएक्टेंट का मास है ट्वाइस ऑफ मास ऑफ 1H2, आया समझ में, लेकिन इसमें से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन घटाएंगे। ये बताओ क्या किया मैंने, क्योंकि हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस के मासेस चाहिए, ये तो एटॉमिक, माइनस मास ऑफ कितना 2, 4E माइनस 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख सकते हैं। लेकिन एक बात समझ में आ रही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला टर्म कट गया, अगर हम नहीं लेते तो गलती होती नहीं, आया समझ, अगर हम नहीं लेते तो गलती होती नहीं, और सही बात है, ये गलती तब होगी जब तक कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंजर्व्ड होंगे दोनों तरफ, जितने इलेक्ट्रॉन इस तरफ हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन अगर उस तरफ हैं तो ये गलती होने के कोई चांस नहीं। ये फील आया क्या कहा मैंने, जितने इलेक्ट्रॉन इस तरफ हैं उतने ही इस तरफ हैं तो ये गलती होने के कोई चांस नहीं, क्योंकि इधर भी उतने ही घटेंगे उधर भी उतने ही घटेंगे, तो आप एटॉमिक मास भी ले लोगे तो अंतर आएगा नहीं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हम तो लिख लेते हैं, कटे ना कटे वो अलग चीज है, तो ट्वाइस ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन माइनस मास ऑफ हीलियम,
तो मास ऑफ हाइड्रोजन 4.0282, 4.0026, सही है? तो 4 तो कट गया, 0.0256 ये आया, ये कितना आया हमारा डेल्टा एम। लेकिन हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी रिलीज आएगी इनटू 931, समझ गए? तो ये मैंने 0.025 के करीबन ले लूं, इसको 930 के करीबन, ज्यादा अंतर तो आएगा नहीं, ठीक है? तो लगभग हम वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो 18 45, 22 के करीबन, तो लगभग 22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ गई, ठीक है? 21 पॉइंट आएगी, हमने लगभग निकाला 22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीबन एनर्जी आई, मतलब एक रिएक्शन में से 22 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकलेगी। ये काफी छोटी एनर्जी है, लेकिन एक एटम में से निकली है, मतलब बेहतर है मैं कहूं दो एटम कंबाइन हुए हैं। तो अब क्वेश्चन ये पूछा है कि आखिरकार एक ग्राम में से कितनी निकलेगी, ये निकाल के देखते हैं। तो एक ग्राम में से एनर्जी, एनर्जी रिलीज इन 1 ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ 1H2 एटम्स बाय 2 इंटू 22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये समझ में आया कि नहीं? क्योंकि एक ग्राम में आखिरकार इसके एटम कितने थे, ये अपॉन 2 क्या है? हर एक रिएक्शन में 2 चाहिए, हर एक रिएक्शन में 2 खर्च हो रहे हैं, तो टोटल कितने थे अपॉन 2, और टोटल कितने थे वो 1/2 इंटू 10^-3। चलो वो बाद में कन्वर्ट कर ले, टोटल थे एक ग्राम में 1/2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये 1/2 समझ गए, इसका मोलर मास 2 ग्राम है, तो हाफ मोल्स इंटू 2 इंटू 6.023 इंटू 10^23 इंटू 22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 22 मेगा 10^6, 1.6 इंटू 10^-19। कुछ समझ में आया? अब जरा ये एनर्जी देखते हैं किस ऑर्डर की आती, ठीक है? 2 से ये 11 बार, ये लगभग 3 बार, ये 33 और 1.6, 50 के करीबन इंटू 10^23, 6 -19 -13, जरा ये आंसर देखिए, 50 × 10^10 जूल। अब तो ये डेली लाइफ में बहुत बड़ी एनर्जी है, और अगर अगर ये 1 ग्राम सैंपल 1 मिनट में खत्म हो जाता, अगर ये रिएक्शन इतनी तेज होती कि 1 मिनट में 1 ग्राम खर्च हो जाता, तो ये बनता 50 × 10^10 / 60, लगभग 10^10 ही मान लू, और ये 10,000 मेगावाट, 10,000 मेगावाट, और 1,000 मेगावाट तो बड़े बड़े पावर प्लांट की कैपेसिटी होती है। अगर कभी न्यूज सुनते हो कि ये पावर प्लांट 5,000 मेगावाट का है, ये 6,000 मेगावाट का पावर प्लांट है, पावर प्लांट जो पावर प्लांट बनते हैं वो बड़े हैं, और यहां मात्र 1 ग्राम हाइड्रोजन अगर कन्वर्ट होता ये, तो एनर्जी इतनी सारी निकलती। ऑब्वियसली ये कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, अभी तक इसका कंस्ट्रक्टिव यूज नहीं कर पाए, क्योंकि ये एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज होती है कि इसको रोक के रख पाना मुश्किल है, मतलब इस रिएक्शन को स्लो डाउन नहीं कर पाते बिल्कुल। अब जरा सोचिए, 1 मिनट की जगह 1 साल होता तो एनर्जी तो उतनी निकलती, पावर कम हो जाती, और हमें पावर से दिक्कत है, एनर्जी से दिक्कत नहीं है। एक साथ इतनी पावर आ जाए, एनर्जी आ जाती है कि संभाल नहीं पाते, फुटकर फुटकर में आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एटम बम क्यों खतरनाक है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी एक साथ दे देता है, आ गया ना समझ में, कि बहुत सारी एनर्जी एक साथ नहीं ले पाएंगे हम, ठीक है? अब यही 1 साल में अगर प्रोसेस होती तो 1 साल में डिनोमिनेटर काफी बड़ा आता, तो फिर अगर कुछ वॉट की आती, मान लो ये आ जाती 1,000 वॉट की, 1 साल में मान लेते हैं 1,000 वॉट आया, इसका मतलब 1 हीटर 1 साल तक लगातार काम कर रहे हैं, या 1,000 वॉट का एसी 1 साल तक लगातार बिना बंद किए काम करता रहे 1 ग्राम हाइड्रोजन के फ्यूल से। ये फील आया? उम्मीद है समझ पा रहे होगे मैं कुछ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कि एनर्जी बहुत है लेकिन वो एनर्जी हम संभाल नहीं पा रहे हैं। तो यूरेनियम में भी एनर्जी बहुत होती है,
लेकिन उसमें इस रिएक्शन को स्लो डाउन करने की जुगाड़ मिल गई है। न्यूट्रॉन वो रॉड्स डालते हैं, कैडमियम रॉड्स, उसमें कुछ कंट्रोल रॉड्स हैं, मतलब उसमें न्यूट्रॉन टकराने पर रिएक्शन होती है, और अगर कोई उन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले तो वो रिएक्शन नहीं हो पाती। तो उसमें स्लो डाउन करने का तरीका हमारे पास है, इसमें स्लो डाउन करने का तरीका हमारे पास नहीं है। एक बार चालू हुआ तो चालू होते ही जाता है, तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए ही यूज हो पा रहा है। किसमें? वो लिक्विड हाइड्रोजन की तरह यूज करते, उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन यूज नहीं करते, उसमें हाइड्रोजन को जलाते हैं। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्शन और बर्न करना अलग चीज है, हालांकि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत हाई है, समझ गए? वो जलाने में है कि हाइड्रोजन कन्वर्ट होके कुछ H2O, CO2, VO2 जो भी बन रहा होगा, सब कुछ मिक्स होके जो भी बन रहा है, वो न्यूक्लियर, वो केमिकल रिएक्शन है। और केमिकल एनर्जी में मास रफली कंजर्व होता है, वहां तो हाइड्रोजन की बॉन्ड टूटे उसकी एनर्जी मिली है, यहां हाइड्रोजन ही मर गया, यहां बॉन्ड टूटे नए बने, यहां प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स रीअरेंज हुए, और ये एनर्जी काफी बड़ी है, उससे भी बड़ी है, और कई गुना बड़ी। तो यहां उम्मीद है समझ में आया होगा कि मैं यहां यह समझाना चाह रहा हूं कि क्यू वैल्यू निकालने का तरीका है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास को घटा दो इनटू सी स्क्वायर, और यह कॉमन सेंस है किसमें से किसको घटाना है। समझ गया ना कि रिएक्टेंट का मास ज्यादा होगा तभी तो एनर्जी निकलेगी, क्योंकि अगर उल्टा हो गया तो इसका मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी मास में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो यहां मास एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है। तो ये बस क्वेश्चन ऑर्डर दिखाने के लिए कि एक की भले ही निग्लिजिबल लगे कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन जब हम ग्राम्स में बात करेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी एनर्जी। ठीक है, हाँ, तो रॉकेट की स्पीड बहुत हाई होती है, बहुत तेज होता है रॉकेट। अरे तो न्यूक्लियर रिएक्टर थोड़ी लगा रहे हैं रॉकेट के अंदर, कंट्रोल नहीं हो पा रही है रिएक्शन, जितनी एनर्जी चाहिए उससे भी ज्यादा मिल जाएगी, जब हो जाएगा कंट्रोल तो मजा आ जाएगा। हाँ, एक मिनट, ये कॉमन सेंस लगा ये चीज है, बिल्कुल ही कॉमन सेंस है, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, ये समझ में ही आना चाहिए कि एक ग्राम में कितनी है, तो एक ग्राम में कितने इसके न्यूक्लियस हैं, और एक रिएक्शन के लिए कितने न्यूक्लियस चाहिए, तो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी हुई इनटू एनर्जी रिलीज पर रिएक्शन। अब दूसरा तरीका इसी में हो सकता है कि मासिस ना देके, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा करने पड़ रहे हैं, हम क्यू वैल्यू की जगह ये दे दें। देखिए, मान लीजिए एक्स से एक्स और वाई मिलकर जेड बन रहा है, मान लीजिए यहां था 20, 40, 30, 60, 50, 100, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर एक्स 6, 7 मान ले, 6, हाँ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर हाइपोथेटिकल है, फॉर वाई 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फॉर जेड 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन, इज इट फीजिबल? अब जरा देखते हैं, इसमें एक छोटी सी दिक्कत है कि जेड की, सॉरी, स्टेबिलिटी मैंने क्या दी है, जेड की मैंने ज्यादा 6.5, हां, इसमें इसकी 7 है, इसकी 6 है, इसकी 6.5 है, एक से वो ज्यादा स्टेबल है, एक से कम स्टेबल है, तो ओवरऑल आंसर कुछ भी आ सकता था। ये समझ में आया? जैसे मैंने दिया था, अगर ये था तो गारंटीड फीजिबल है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा स्टेबल है, पक्का फीजिबल है, और अगर ये 5.5 है, पक्का फीजिबल नहीं है, लेकिन अगर बीच में है तो आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम निकालेंगे क्यू वैल्यू, और क्यू वैल्यू होगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये आएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ जेड, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स। लेकिन हमें पर न्यूक्लियॉन दी है, तो जेड की आएगी 6.5 × 100, आया समझ में? वाई की आएगी 60 × 7, 7 × 60, प्लस इसकी 6 × 40, आया समझ में? ठीक है, तो ये कितना बना 650, ये कितना बना 420, ये बना 240, आंसर कितना आया -10।
और माइनस टेन आया, इसका मतलब ये तो गड़बड़ हो गया, माइनस टेन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब क्यू वैल्यू नेगेटिव है, मतलब इतनी एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज टू बी सप्लाइड टू कैरी आउट रिएक्शन। मतलब पक्का अगर हमने मासेस से क्वेश्चन किया होता तो उसका मास ज्यादा था, अगर मासेस से किया होता तो उसका मास ज्यादा था। मैं सीधे ऐसे सोचता हूं, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा उसका मास डिफेक्ट ज्यादा, और जिसका मास डिफेक्ट ज्यादा उसका मास कम, क्योंकि उसने लॉस ज्यादा किया है। तो यहां इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा थी तो इनके मास में लॉस ज्यादा था, तो इनका खुद का मास कम है, उसका मास ज्यादा है, हमें एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये फीजिबल नहीं है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन है, ये कोई ग्राफ है, इसमें सॉरी क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ये एक हाइपोथेटिकल ग्राफ बनाया और हाइपोथेटिकल ग्राफ में सबकी बाइंडिंग एनर्जी एनर्जी दे रखी है, आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना कि सडन जंप कैसे आ गया, क्या ऐसे हो गया, बस ग्राफ है, और चूंकि लीनियर है तो आप हर जेड के लिए, हर ए के लिए बाइंडिंग एनर्जी निकाल पाओगे, यहां लीनियर वेरिएशन है, बाकी सबकी वैल्यूज ही गिवन है। तो अब हमसे पूछा होता क्वेश्चन वन की बाइंडिंग एनर्जी फॉर एक्स 15, 30 एंड हेंस फाइंड इट्स एटॉमिक मास। अब ये करने के लिए मुझे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास देना पड़ेगा, तो जो मैं दे रहा हूं डेटा वो ले लो, हालांकि ये सही नहीं है लेकिन कैलकुलेशन आसान रहेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/1800 AMU। दूसरा क्यू वैल्यू ऑफ एक्स इज इट फीजिबल। और उम्मीद है फ्यूजन, फ्यूजन जानते हो, ये फ्यूजन है, ये फिजन है। फ्यूजन क्या है, छोटे न्यूक्लियस मिलके बड़ा बनते हैं, फिजन कोई बड़ा न्यूक्लियस दो में टूट जाता है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी 2552। जेड निकालना पड़ेगा ना इससे, पहले का एक्स 1530, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो गई, 30 कहां है, यहां 180, तो मास डिफेक्ट 180/931, समझ गए, 20% 0.2 से कुछ कम, समझ गए ना, 0.19 कुछ मान लो। हां अब क्या निकालना है अपन को, मास, और इसका मास निकालेंगे तो 15 मास ऑफ प्रोटॉन, तो 15 टाइम्स 1.007, 15 टाइम्स 1.008 माइनस ये वाला 0.19 प्लस, क्या हुआ, कोई दिक्कत है, प्लस कितने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 15 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये 15 और 15 30 225 0.025 225 15.225 ठीक है, माइनस 0.019 प्लस, ये तो बहुत कम है 15 वाय, तो 0.0, तो लगभग इतना ही बनेगा जो बनेगा, तो 30. लो लगभग इतना, 190 घटा इसमें से, 35 बना, इसमें से कितना घट रहा है, 0.008, तो 27 के आसपास लगभग इतना। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है,
क्यू वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू, तो फीजिबल है या नहीं ये तो समझ में आ जाएगा, 25 से 50 पे जाना है, बिल्कुल फीजिबल है, तो क्यू वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और 50 टाइम्स वाई, 50 वाले की कितनी है 8, माइनस ट्वाइस ऑफ 25 वाले की कितनी है 6, आया 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड की, और आंसर है यस। थर्ड क्वेश्चन में एक्स से, एक्स यहां है, इससे वाई में और जेड में टूटा, इस बार चेक करना पड़ेगा, तो बाइंडिंग एनर्जी इसकी 50 × 8, इसकी बाइंडिंग एनर्जी 30 × 6, इसकी बाइंडिंग एनर्जी 80 × 7, 560, 400, 180, 20, और क्यू वैल्यू 20 आ गई प्लस की, ये भी फीजिबल है। अगले क्वेश्चन में रिएक्शन इनकंप्लीट टाइप की दी है, लेकिन हम निकाल सकते हैं पूरी, क्योंकि 25 50 से जेड, जेड कितना है तो 4 टाइम्स, अल्फा कितना है 2 4, 8 ही ये कम हो गया, तो कितना बना 13, और यहां कितना कम हुआ 16। अब इसकी बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी थी, जेड वाले की बाइंडिंग एनर्जी, जेड कितना है 34, 34 × 6, ये 4 टाइम्स अल्फा पार्टिकल। अब देखिए 20 पे 6 आया तो 2 पे 0.6 आएगा, तो 4 पे 1.2 आएगा, तो 4 पे 1.2 लीनियर वेरिएशन, 20 पे 6 तो 4 पे कितना, और यहां कितना है 50 × 8, ये आई 400, 204, और ये कितना है 16, 196, 1.92, 19.2, फीजिबल तो नहीं है, इसीलिए एनर्जी नीडेड है, सही बात है, और एनर्जी नीडेड कितनी आई, तो 400 माइनस 204, 190, कितना 196 माइनस 19.2, तो 176.8, क्यू वैल्यू आ गई 176.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल जेड है, फिर डब्ल्यू, वाई, एक्स और वाई बराबर है, तो होमवर्क आ गया डीसीटी, लेकिन थ्योरी ढंग से, इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज थ्योरी अच्छे से, डीसीटी 1 मतलब रिलेटिव है, न्यूक्लियर फिजिक्स की डीसीटी 1 ओवरऑल 7,